अबे हाँ पिज्जा भाई। के बाद खाए तुमने, क्या हुआ? अबे नहीं, वो उस पर नहीं कराया था मैंने, सारे नंबर पे। इनकमिंग भी बंद हो जाती है क्या? अबे इनकमिंग वही, तो अबे नहीं आजकल होती हो ना, गया, अबे इनकमिंग बंद हो जाती है। ये क्या बकवास चल रही है? तेरे को नहीं पता? नहीं मेरा पोस्टपेड है ना। अरे तेरा पोस्टपेड है भाई, प्रीपेड वालों के साथ ये दिक्कत है, अगर हम नहीं कराएंगे तो वो हमारा बंद कर देते सब कुछ, मतलब तो नहीं हो ही नहीं। पहले तो पहले चलता था यार, चलता मतलब था, पुराने जमाने सही था ना, इनकमिंग मतलब अगर तुम्हारे पास सिम्पल हुआ तो इनकमिंग हो सकती थी, अब उसके हाँ लिए वो पैसे मिस देने कॉल पड़ते दे हैं दो, तुम्हें। मिस कॉल दे दो फिर वो कॉल कर नहीं देंगे। मेरा मिस कॉल नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा कुछ हुआ है तेरा, कोई कुछ आया हाँ नहीं नहीं मेरे पास, मतलब मैं कम से कम पहले कॉल तो कर ऐसे लूंगा कर तेरे को। देते थे ना पहले लोग। मिस कॉल आ जाती थी, मिनिमम बेयर मिनिमम एक मिस कॉल तो आ जाती थी एटलीस्ट कि उसने हाँ कॉल करा यार है। अच्छा, अमन तो आएगा नहीं, अमन अमन को थोड़ी लेना है। अमन तो भाई पढ़ रहे हैं कह रहा है साला, पढ़ तो कच्चे यार निकल भी नहीं रहा होगा। कैसे यार बताओ, ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया कसम से। अरे घंटा पढ़ रहा होगा, तुझे क्या लगता है ये जे की तरह पढ़ रहा होगा ऐसे 8 घंटे 10 घंटे? हाँ पता नहीं इसकी हरकतों से तो ऐसे लगता है ना, तो ये व्हाट्सएप पे आता है ना, कभी कॉल करता है ना कभी बात करता है अरे मुझे। नहीं ये अपने कॉलेज वालों के साथ यार, क्या? इंस्टाग्राम वगैरह पे कह रहा था कि उसके कॉलेज के ग्रुप काफी हो गए हैं तो उन्हीं में अरे वो ये तो हर बिजी कोई कह रहता रहा है। है, हाँ जितने ये उसी लोगों में ने। बिजी रहता है। हाँ वही है, अब क्या पता किस चीज पे बिजी है ये। तेरी अरे फिलहाल कहीं ना कहीं और तो मुंह मार रहा है बात कब हुई थी इससे, हुई है तेरी अभी बात? भाई। भाई मैंने इसको 2 बार कॉल किया 2 महीने में पिछली बार। एक अच्छा बार मैंने दिसंबर अबे भाई लास्ट पता है, वीक में मैं इसको कॉल कॉल किया। करता हूँ, मुझे इसके लिए स्पेशल हिम्मत चाहिए होती है कि साला ये फोन नहीं उठाएगा फिर मेरा मूड खराब होगा। साले इसकी अलग ईगो रहती है। अभी अबे वो छोड़, मेरा कॉल उसने उठाया भी। अच्छा दो मिनट बात करता है फिर कह देता है भाई मैं बाहर हूँ या हाँ फिर मेरा कोई इंटरव्यू है कॉलेज का या ये है या वो है। साला अगले दिन कॉल बैक भी नहीं करता है। ये तो ये करता भाई, एक बार मैंने इसको कॉल किया, कह रहा है अभी करता हूँ भाई, अभी मैं बिजी हो गया हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, उसके बाद साले ने कॉल ही नहीं किया। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि तुम इंतजार कर रहे हो, तो उसने बोला मैं 15 मिनट में कॉल करता हूँ, अच्छा और मैं फिर जैसे सोच रहा था कि मुझे 15 मिनट बाद लेक्चर बनाना था, तो मैं रोक के बैठा हुआ कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। उस साले का फोन ही आ रहा है, मैं 1 घंटे से बैठा हुआ, मैंने हट यार, कब मिला तूने? मैंने इसको मिलाया था, हो गया टाइम मेरे को, पता महीने? नहीं महीना हो गया होगा, अब तो मैं मिलाता ही नहीं। मैंने कहा ना 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 अमन चंडीगढ़ इस पे तो जाना ही नहीं है, इसको तो कॉल ही नहीं करना होता है इस पे तो। यार कसम से भाई मैंने भी अभी 2 हफ्ते पहले ही मिलाया था उसे। इसका खुद कॉल बस मेरे पास आज तक जिंदगी में सिर्फ 2-3 बार ही आया है, एक बार तब आया था जब वो थी मेरी बर्थडे, तब आया था, इसके बाद कॉल मेरे क्या को, हुई मैं थी? जब मेरा बर्थडे था ओहो अच्छा तब तो तुम्हारे पास तो कॉल ही नहीं आया था। ना भाई अगले दिन आने के पास उसका अब मैं ऐसा हो रहा, मुझे मैंने कहा तेरी ये बर्थडे किसका कॉल पे। है, मैंने ए से शुरू हो रहा है इसका नाम, तो मैंने इसका तो कभी आया था ही नहीं ये कौन है वे। सही बात, अजीब है भाई इसका। हद है हद। तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है, बस भाई आज आखिरी दिन था, कल से किस चीज का कॉलेज आखिरी शुरू दिन हो है, रहा है छुट्टियों का मतलब। छुट्टियों का? अच्छा तुम्हारा तो वो पेपर वेपर हो गए थे तुम, सही है। हाँ तो कल से कॉलेज तो तुम्हारा शुरू हो तेरा रहा है। चल क्या रहा है, ये सेकंड ईयर का क्या है, ये मतलब कौन सा सेमेस्टर है, थर्ड ओ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर फोर्थ है, शुरू होने वाला है, खत्म हो गया? कल से फोर्थ सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। ओके, और फिर खत्म कब होगा? अच्छा खत्म होगा मई जून में। अब वो ये सब तुम्हारा यहीं नहीं पड़ जाएगा, उन्होंने कुछ मतलब कुछ आया नहीं है कि अब तुम बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे चेन्नई? अभी मतलब क्लासेस तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही होंगी, कह अच्छा, रहे हैं फाइनल एग्जाम के लिए शायद बुला लें। हाँ सही है, फिर फाइनल एग्जाम्स के बट लिए। सालों ने यही कहा था इस सेमेस्टर के लिए भी, थर्ड सेमेस्टर के लिए भी, कि बेटा क्लासेस पर यार ऑनलाइन इनका तो चलेंगी। यार घर बैठे बैठे भी खतरनाक हो रहा है, तू कह रहा था हाँ यार खतरनाक तो हो रहा है, मतलब ये दिमाग खराब हो रहा है फिलहाल। अभी गलत तरीका है अजीब तो लगता ना। है ना यार कि मतलब अकेले अकेले कॉलेज कोर्स कर रहे हो जब साथ में लोगों की हाँ सही है, देखते मतलब ही जैसे यार। कि कोर्स बेकार होता है तो लगता है चलो 3-4 लोग तो हैं अपने साथ वही ना, अब जब तो। लोगों की देखते हैं ना कि अच्छा ये फट रही है, इसकी भी फट रही है तो ठीक है। अरे ये सब, ये बहुत सही चीज है, ये मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ उसका यही पॉइंट है। मेरी हाँ तो फट रही है लेकिन सबकी भी फट रही है, इतनी कोई दिक्कत भाई नहीं है। ये लगता है घर बैठे ही सब पढ़ रहे हैं, हम ही कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ क्योंकि सब लोग कम्युनिटी में ऐसे शो करते हैं ना कि बेटा हमें वही तो सब आता बस है। पता नहीं क्या है, भाई थोड़ा अजीब है वरना तो। वैसे ही हाँ बताया यार साली चैटिंग है ही चीज ऐसी कि तुम हर बार वही सोचते रहते हो कि इसको पता है या नहीं पता है। कर क्या रहा भाई चैटिंग भी तो मेरी ऐसी होती है कि बस ये काम कर दिया, ये प्रोजेक्ट कर दिया, ये असाइनमेंट हो गया, वो असाइनमेंट हो गया, बस इसका क्या बात ही नहीं होती यार। कोई दोस्त वाला नहीं है ना तेरा अभी तक? वैसे तेरा यार यार ये बहुत गलत जा रहा है ना, वाले लाइफ सेकंड ईयर हो गया और अब तो कोई दोस्त तो बन नहीं पाया साला, लोग बन जाते हैं 2-2 साल में तो बहुत भयंकर। अब गलत से का क्या मालूम भाई, जो चल रहा है फिलहाल चल रहा है। फिलहाल हाँ वो कोविड है ना। नहीं ऐसा ऐसी बात नहीं है, मतलब जब मैं वहां था तो भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी किसी से। कोविड वोविड तो मतलब हाँ कोविड ने और खराब कर दिया बल्कि। ये थोड़ा एक और फर्क भी ये भी तो पड़ता है ना कि अगर तुम्हारा कहीं नॉर्थ इंडिया साइड में होता तो दोस्त बन चुका होता अब तक अच्छे से, लैंग्वेज क्या बहुत होता है बड़ा फैक्टर है नॉर्थ ना, इंडियन साइड क्या होता है? मतलब अगर तेरा लेट से दिल्ली में होता कॉलेज हाँ
तो फर्क पड़ता है ना उससे, क्योंकि फिर अपने टाइप के लोग हो जाते हैं अबे वहां पे। नहीं भाई, पता है मतलब जब मैं वहां गया ना चेन्नई में, तो हाँ लाइक एक तो ये बड़ी अजीब चीज है कि जहां से साले हम होते हैं वहां पे यूनिटी नहीं होती है। क्या पहले नहीं हम होती? स्कूल में यूनिटी नहीं होती ना, जब हम हाँ स्कूल हाँ में थे लड़कों में यूनिटी नहीं थी। हाँ अच्छा अब जब मैं कॉलेज गया तो हाँ ठीक है लड़कों में यूनिटी है, बट हाँ साला जिस कम्युनिटी से मैं हूँ उस कम्युनिटी में नहीं है यूनिटी, बाकी हर कम्युनिटी में है। मतलब कम्युनिटी मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे कौन? चेन्नई वाले सारे दोस्त हैं, केरला अच्छा अच्छा वाले अच्छा सारे अच्छा हाँ दोस्त वो हैं, रीजन वो वाला हो गया ना उसमें। हाँ उड़ीसा वाले सारे दोस्त और हैं वैसे भी साला नॉर्थ इंडिया में तो यूनिटी वैसी नहीं होती है तो अपने नॉर्थ इंडियन वाले तो घूमते रहते होंगे ज्यादातर हम बिल्कुल छठी हुई कैटेगरी में आए भाई, लड़के भी हैं नॉर्थ इंडियन भी हैं यूपी से भी हैं। हो गया काम तो तमाम सारा, हाँ सही बात है। और फिर अब दोस्त तुम्हारे बन जाते हैं वो अच्छे, मतलब जो जिनके साथ तुम्हारा सबसे ज्यादा वो है ना, वो होता है ना क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी दोस्ती बनने की, वो होते तुम्हारे रूममेट्स। भाई मेरे तो रूममेट्स भी कमा रहे हैं, तीनों तीनों अरे अलग अलग कम्युनिटी के हैं, तीनों का अपना अपना सर्कल है। यार, तो मतलब तुम्हारे यहाँ बिल्कुल बातें होती नहीं होंगी क्लास, मतलब रूम के अंदर नहीं होती थी बट वही होती थी कि भाई मेरी बोतल खाने। भर दा अरे उस टाइप। ये एक तो तो वो सबसे वाली नहीं पहले हुई ना, मतलब तुम लैंग्वेज बेसिकली एक बैरियर हो जनरल गया। टॉपिक पे बात नहीं कर सकते किसी पे भी कि आओ यार इसके ऊपर बात हाँ करते हैं, जैसे हम नॉर्मली मतलब भाई बात ना करते हैं। वही जैसे अभी वही तू मेरे से बात कर रहा है वैसे नहीं कर सकते ना, कि ऐसी भाई, नॉर्मली वैसे तो मैं बात किसी से नहीं बात करता जैसे तुम लोगों से करता हूँ, वो वही तो है मतलब ना, दूर क्योंकि दूर का तुम्हें कुछ लोगों को, नहीं हम है। लोग ये चीज पता है कि हम लोग कोई भी बात करते हैं तो उसमें 50% मजाक वाली बात भी होती है, तो ऑफेंड नहीं होना होता है कि तुम अरे ऑफेंड होकर मजाक बैठ तो गए। छोड़, काम की बात भी होती है भाई, वो सबसे चीज सही है हाँ ये भी है, बाकी। मानो अगर हम लोगों ने कोई बात करी तो तुम उनसे नहीं कर सकते, तुम्हें पता नहीं है कि बेसिकली वो किस ग्राउंड में, वो कहाँ का कहाँ ले जाएगा, या फिर तुम बात ही नहीं कर पाओगे, शायद फ्री नहीं हो पाएगा उससे, तो ये तो फिर हाँ तो कैसे भाई बनेगा यार ये तो बहुत मुश्किल काम है दोस्त बनाना। कसम से और पता है ये शायद अमन को इसलिए भी आता है जो उसका बाई डिफॉल्ट है, क्योंकि वो 1-2 साल में चेंज होता रहता है ना उसका रीजन। अपना अरे तो ये है कि 12-13 साल से साले एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, तो वैसे ही थोड़ी हाँ बिगड़ जाती है, हाँ वो भी चीज बहुत बढ़िया है, वो बहुत लोगों पता ही से नहीं दोस्त मिलती बनते कैसे। हमें तो लगता है साले दोस्त अपने भी बन जाते हैं दर दर से, और है यार, मैंने बनते अभी तो अपने आप ही हैं नहीं वैसे। बनते अपने आप, लेकिन मतलब जब कम्युनिटी ऐसी, जैसे तू कह रहा है तो फिर है ना, जैसे कोटा में था मैं, तो कोटा में तो इसलिए बन गया क्योंकि वो मतलब मम्मी के दोस्त था वो, तो वो ऐसा हो गया जैसे बाई डिफॉल्ट दोस्त तो है ये फिर उसके दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त बन गया, और अब वो मेरा दोस्त नहीं है जो इनिशियली दोस्त था। वो बात भी सही है बट तो वैसे मेरा जो है ना ऐसा है कि अगर सपोज जितने लोगों को मैं जानता हूँ तो अगर मैं उनको कॉल करके बोलूंगा हाँ भाई क्या हो रहा है तो नॉर्मली बात कर लेंगे, मगर और अगर हेल्प की मांगूंगा तो हेल्प भी कर देंगे, लेकिन हाँ उस टाइप की दोस्ती है। लेकिन ऐसे नहीं है कि जैसे यहाँ कॉल कर लिए बातें हो रही हैं कि और भाई क्या चल रहा है जिंदगी में, वो सब उस टाइप का दोस्त समझ गया समझ मतलब गया। हेल्पिंग टाइप है कि हाँ चलो साल में एक बार फोन आया इसने हाँ मेरी हेल्प कर दी मैं इसकी हेल्प कर दूंगा, वो उस टाइप के दोस्त हैं। हाँ तो यार ये समझ 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 सही लगता है काफी, कैसे होता होगा नहीं फिर मेरे बेटा केस में। देखा नहीं तूने मूवीज वगैरह में भी कि लोगों के एंड में जाके दो ही तीन दोस्त होते हैं अबे हर जगह। हाँ इनफैक्ट ये तो कर है ही ना कि तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, अगर तुम्हारे पास सही से रिलेशनशिप्स नहीं है तुम्हारी, तो तुम गए काम से, और क्या, बड़ा रिलेशनशिप्स तो मुश्किल है मेन भाई, इम्पोर्टेंट। मैं अब इमेजिन कर सकता हूँ उन लोगों को जो बेचारे अकेले रहते हैं। हाँ देखो साले मान भी रहे हो, ये नहीं झूठ बोल, नहीं भाई इंस्पिरेशन तो है बस हो नहीं पाता है साले, मतलब हद है यार। अबे मैं सोच रहा हूँ गाड़ी सीख लूँ इस चक्कर में वो गाड़ी आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अब क्योंकि फिर गाड़ी से ड्राइवर का अब मैं चक्कर तुम्हारा चलता है गाड़ी ना सीखने का वेट करूँ, नहीं नहीं बीच में ऐसा तो किसी को कुछ ठोक ठाक दिया तो वो मेरे अंदर क्या है कि भाई नहीं मैं तेरे लिए गाड़ी सीख रहा था और तेरी वजह से मैंने एक्सीडेंट कर दिया, अब क्या करूँ। हाँ सही है। अबे वैसे गाड़ी से याद आया मेरा भी लाइसेंस बन गया, कौन लर्नर्स सा वाला लर्नर वाला? लर्न। हाँ मेरा 17 फरवरी को है फाइनल, वो भी ओ मतलब ऐसे ही बन जाएगा बस शक्ल दिखाने तो जाके। हाँ वो पैसे लेकर काम हो जाएगा अबे साले मैं तो इस वाले में भी नहीं गया, लाइक पहली बार तो मैं फेल हो गया था, अच्छा फिर दूसरी बार पापा ने एक दिन अचानक से आके कह दिया कि तुम्हारा बन गया लर्नर्स वाला, 17 फरवरी को तुम्हारा वो भी बन तो जाएगा उन्होंने पैसे मेन दे दिए वाला। होंगे उनको। पहली भी सेटिंग थी बट उस दिन मैंने बताया ना रेट पड़ गई थी वहां पे। अबे उस दिन डेढ़ बैठ के चक्कर नहीं होगा, इस बार हम गए थे ना तो वो कह रहे थे देखो भैया सीधी बात है, अगर आप 12 बजे से पहले आते तो करा देते आपका, तो आप बस सिंपल पैसे देते हमें 400-500 रुपये, उससे हम काम करा देते आपका। 12 बजे से क्या लेना देना है। वो उनका कुछ हिसाब किताब है कि उससे पहले, उसके बाद फिर वो लोग बैठ जाते हैं ऑफिशियल, उससे पहले नहीं बैठ पाते हैं, तो उससे पहले उनको बस बताना होता है कि ऐसा ऐसा है। अबे इस बार तो मैं गया तक नहीं, बिना जाए बिना गए बन गया मेरा लर्नर्स वाला तो। हाँ तो वो अरे सब ऐसे ही रखते हैं वहां पे फसड़ी आराम। मैं गया था ना, मैं तो पूरा आधा दिन लगा के आया हूँ वहां पे। हाँ मैं भी पहली बार तो गया था, दूसरी अबे बार कैसा जटियल बना हुआ है कसम से तो वाहियात बना हुआ है ना, मतलब तू बैठा है वहां पे सब, तूने तो सब कुछ किया होगा वहां पे, पूरी लाइन में लगा होगा बकायदा। बैठा बैठा कहीं नहीं, मैं खड़ा रहा जहां भी रहा। नहीं बैठा नहीं, मतलब वही लाइन में तो लगा ही होगा, उनको दिखाने के लिए कि फोटो खींचते हैं साइन करवाते हैं वो सब।
ना लाइन में नहीं खड़ा हुआ, मैंने एक भैया से बोल दिया था जब आपका नंबर है मेरे को बुला लेना, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं साइड में खड़ा था, मैं नहीं घुसा लाइन में। हाँ तू ऐसा कैसे हो जाएगा? तू भैया तेरे जान पहचान के थे या कोई ऐसी खड़ा हुआ था वहां ना, पे? मैंने उसको तमीज से एक बार बोल दिया सही से, मतलब मेरे बराबर ही लग रहा था वो, कहीं तो कॉलेज तेरे का ही कितने लोग था, थे वहां पे? 10-15 लोग होंगे लाइन में हाँ खड़े तभी तो हुए। तुम बच गए ना। मेरे जब मैं गया ना भाई साहब, तू घुसता तेरे को लगता कसम से भगदड़ चल रही है, मतलब कम से कम 55 से 60 लोग होंगे मेरे साथ उसमें। और क्या वो अंदर भाई जाके जो गली में जो पहला काउंटर था वो जो वो वाला? पहला वाला है जिसमें वो होता है पूरा यार, जिसमें वो दिखाना पड़ता है उनका पूरा पर्चा शॉर्ट ऑफ होता है, फिर वो हाँ तुम्हारी फोटो बहुत खींचते हैं। छोटा सा, बहुत छोटा सा बहुत गली छोटी सी जाके जगह है जो, वो, बहुत छोटी सी जगह है वो। हाँ वो बहुत पतली सी गली जाके तो जाते हैं वहां तेरे पे। वहां हाँ पे से 10-15 लोग थे? अबे मेरे में कम से कम 55-60 थे जब मैं गया था, और अबे जब मैं लाइन में पचपन खड़ा साठ हो की गया उसके जगह बाद तो ही 100 नहीं डेढ़ है, भाई साहब, तुम सोच के देखो कैसे खड़े होंगे वहां पे। एकदम चिपक के, मतलब ऐसे समझ लो उसकी मुंह की सांस मेरे बालों पे आ रही थी, मेरे सारे कसम से घूम के मारने का मन कर रहा था मेरा। और पचपन सामने वाले साठ बंदे का डेंड्रफ मेरी नोजी से टच होने वाला था, बस ऐसे समझ लो तुम। भाई, ऐसे अरे चिपका अरे हुए थे हम लोग। और कसम से बता, अगर तुम हट गए इतना सभी, जो तुम्हें जिन गालियों से बुलाएंगे वो तुम्हें हाँ यार बहुत रूड थे मतलब वो बहुत ही लोग। रूड थे, बहुत ही ज्यादा रूड। कोई एक बंदा हट गया तो उसके पीछे पड़ गए, बेटा तुम कहां से आ गए, ये वो, मतलब मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, वो तो पूरा एकदम जाहिल था पे। हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कितनी गंदी और जिंदगी फिर है। बता क्या हुआ, फिर वहां पे एक, मतलब एक लड़की थी तो उसको पास ऑन होना था, आप तुम क्या समझ होना सकते था? हो, पीछे मतलब एक लड़की को पास ऑन होना था। आप सब तो लौंडे लौंडे, सब बिल्कुल जाहिल गवार वाले एकदम। तो हाँ इत्तेफाक की बात है कि मैं खड़ा हुआ था, मेरे पीछे जो बंदा खड़ा हुआ था दूसरी लाइन में वो बंदा सही था थोड़ा, मतलब एटलीस्ट लग रहा था कि अच्छा हाँ ये सही है, ये पेपर की तैयारी कर रहा है इसलिए इसका मुंह शांत है एकदम। उस टाइम वाली हाँ फीलिंग थी। तो उसने बोला आप प्लीज जरा हट जाएंगे, तो हम दोनों थोड़ी जगह थी तो वो हट पाई। मैंने सोच रहा था अगर हम लोग नहीं होते और ये कसम से इनके बीच में से निकलती तो निकलती कैसे, ये कुछ गड़बड़ हो जाती कसम से। उस नहीं, टाइप के फिर लोग थे जो लोग करते हैं वही लोग करते हैं, यार, बहुत मजे ही लेते मतलब हैं। वैसी वाली थी कि कैसा कैसी सिचुएशन है। और ऊपर भाई साहब बोर्ड लगा हुआ, 6 फीट की दूरी बना, मैं चप्पल खींच के मारूंगा, 65 लोग खड़े हुए, इतनी सी जगह है, इसमें 6 फीट की दूरी कहां से बनेगी? मैं छह अच्छा फीट का अच्छा हूं, अभी मैं सितंबर में गया था ना, तू अभी गया था? मैं तो अभी गया हूं ना जब खुल गया पूरा, इस वजह से हाँ उस मैंने समय कहा तो, ऐसे ऐसे तो सर बताकर किसी को कोरोना होगा तो कि सबको हो जाएगा, मतलब लाइन से एकदम 120 के 120 लेट जाएंगे भाई साहब, कोरोना जिंदाबाद हो जाएगी। नहीं, अब ऐसे तो ना, मतलब मैं वो सब, तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है ना, कुछ लोग ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, कुछ लोग थोड़ा वो पर यार कर जब तुम लेते इतना हैं। चिपक के बैठे हो तो हो ही जाएगा 6 फिट तो, अबे मतलब ऐसा थोड़ा ना, अबे ऐसा तो मतलब तुम जैसे जैसे मेरे को बुखार होता है कितनी बार, हाँ तो हाँ मम्मी पापा आते हैं ना छूते हैं, तो मैं सब, तुमको तो नहीं होता हर बार, बल्कि बुखार भी तो मतलब वो ऐसा तो फिर वायरस ही डिपेंड तो है। करेगा ना। पर अब ये एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर मुझे उस टाइम पे हुआ होता जब तेरे से मिला था, हो सकता है कि उस टाइम पे हम दोनों को होता कोरोना, तो हो सकता है कि अब उसकी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, मे बी पता हाँ नहीं। मतलब बहुत, उसके लिए तो बहुत फैक्टर्स सही है, ऐसा थोड़ी ना कि तुम रूम में बैठे हो तो किसी एक को हो गया तो सबको हो जाएगा। फिलहाल हाँ ये भी है। पर फिलहाल वो बहुत ही भाईगत एक्सपीरियंस था वो लाइसेंस कसम वाला, बहुत ही से गंदा, बहुत ही गंदा। और मैं ये भी सोच रहा था कसम से कि यार इन लोगों की लाइफ कैसी, इनकी लाइफ में हमारी कोई भी फिलोसफी फिट नहीं करती, मतलब इतनी बुरी कियोस मचा हुआ है इनके पूरे, उसमें सरदर्द हो जाएगा किसी का। वही ना, वही है ना कि मतलब हम लोग बहुत लकी हैं कि हमने इतने स्टार्टिंग से ही लाइक इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, उन लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा सब चीजों के बारे में। अबे एक तो ये, और दूसरा एक और चीज भी है, मतलब इसमें काफी बहुत बड़ा प्रिविलेज ये है कि मतलब हमारे पास उस टाइप के लोग हैं जिनसे हम सीधे फोन करके बात करके काम खत्म कर देते हैं अपना आधे से ज्यादा। उनकी मैं तो उनकी सोच रहा था, सोच के देख जो बंदा बिल्कुल ही वैसा होगा, मतलब क्या किनको कुछ भी फोन नहीं है। करते हो तुम? अबे फोन इन द सेंस क्या, तुम तेरे पापा ने तेरे को कैसे मना कर दिया लर्निंग लाइसेंस? अच्छा मतलब हाँ वहां वैसे तेरा सेटिंग, प्रिविलेज तो ही है ना हम लोग के पास इसका। हाँ ये, अब मैं हाँ ये ऐसी तो सेटिंग क्योस है। वाली जगह पे तो कोई जाएगा उसके पैर कांपने लगेंगे, भाई किसको क्या दिखाना है, कोई बाली तुमसे तो कोई बात ही नहीं करने आया वहां पे, तुम्हारी कोई वो तो करने आया ही नहीं है कि तुमसे भाई साहब तुम कोई राजा हो टाइप से। अरे बिल्कुल नहीं भाई, वो तो और लेटा तुम्हें जो देंगे घर तुम्हें में, किसी। और अग्रवाल लोग जो होते हैं उनके घर में जो बच्चे होते हैं ना, उनको बिल्कुल राजा ही समझा जाता है, पूरा प्रिविलेज भाई साहब परोस के दे दिया जाता है। हाँ वो चीजें तो हैं। तो ये है, ये तो मेरे को वहीं पे आइडिया हुआ था जब कोटा गया था यार कि क्या हो रहा है। मेरे मैं तो आज कोटा में ऐसा क्या हो गया बेटा? अबे बहुत ही छोटी छोटी चीजों के लिए ना, कि मतलब मैं तो कि हमारा तेरा तो फिर भी शायद मे भी डिफरेंट होगा, पर हमारा तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि कोई भी काम होता है सीधे फोन कर देते हैं पापा को, वो उनसे बोल देते हैं, वो कुछ ना कुछ जाके ले आते हैं अपने दुकान पे जो काम करते हैं। मतलब क्या लाना होता है जैसे? सिंपल से सिंपल बात है, मैंने मैंने बोलिया मेरे को लेट से तुम्हारा मन हुआ कि तुम्हें आज एप्पल खाना है, तो अब तुम ओहो थोड़ी जाओगे कोई देखने के लिए। पर जब मेरा कोटा में मन होता था तो मैं मन मान लेता था, मैंने कहा छोड़ तेरे को 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, वहां पर खुद देखना पड़ेगा 1.5 किलो कैसा होता है क्या होता है, फिर लाना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, इतना कौन करेगा। तो तुम क्या करते हो, पापा को फोन करते हो? अब अभी तो यही करते हैं आज के टाइम पे अच्छा तो तो फिर क्या होता है क्या जब पापा को फोन करते हो तो वो मंगवाते हैं, भेजते हैं, क्या और करते क्या, तब तक हैं? मैं अपना काम करता रहता हूँ ना।
फिर अपने आप आ नहीं तो जाता है वो, कैसे मम्मी मतलब, उसको धो देती है, मम्मी उसको काट के नमक डाल के टेबल पे आ जाता है वो अपने आप ही। ये अबे डिफरेंस है। कोटा में पूछ रहा हूँ मैं साले, कोटा कोटा में में क्या तो मैं खुद करते? ही जाता था, हाँ वही ना, कोटा तो में तो वो जाना ही तो ये पड़ता काफी अलग चीज थी ना। और एक और चीज, जैसे जब मानो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे वो बना था EWS का सर्टिफिकेट, तो उसका उनने वो मांगा था, उनके कोई वो आए थे ना, ये क्या कहते हैं स्कूल, क्या कहते हैं यार, ऐसा ऑफिस लग वाला से। अच्छा था, जो भी आते हैं उनको लेखपाल कहते हैं उसको, तो वो आया था, उसने मुझसे बोला था आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ है। अब वो मेरे से पूछ रहा था, वो पापा से नहीं पूछ रहा था, पापा साइड में खड़े हुए थे, तो जब हाँ मैं पापा के साइड में खड़ा हुआ होता हूँ तो उनका हाँ इम्पैक्ट होता है मेरे ऊपर, मतलब कि मैं अपना इंडिपेंडेंट उसमें नहीं आता हूँ, तो वो मेरे से एकदम से पूछता है, मेरी हालत खस्ता हो जाती है कि ये क्या चीज होती है। पर अगर हाँ पापा वो नहीं तो होता, ये मुझसे सेम सवाल कोटा में पूछता, तो मेरा मूड अलग होता, क्योंकि मैं एक मतलब 3-4 महीने से इंडिपेंडेंट मूड में हूँ अपने, ये सारा काम मुझे ही करना है, तो वो है काफी। हाँ, उसका फर्क तो पड़ता ही है यार। तो वो मतलब तो वो मतलब मैंने रियलाइज किया ये वाला कि यार बहुत प्रिविलेज था पहले से, बहुत ज्यादा। कसम से भाई, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। अबे सबसे ज्यादा तो मुझे तब लगा था, मैं रात में, मेरी तो आदत है मैं तो सो जाता हूँ, तो जब मैं 12 बजे सो गया था, मतलब 12 बज चुके थे, 10 बजे सो जाता, मैं 2 घंटे हो चुके थे सोता हुए, गहरी नींद में एकदम, तभी मेरे गेट पे नॉक नॉक बज रही है भयंकर वाली। अब मेरी तो हालत खस्ता हो गई, मैंने कहा साला कौन आ गया। कोटा में कोटा में जब मैं रूम में था, तो नॉक नॉक, मैंने पहले इग्नोर मार दिया, कम्बल ओढ़ के सो गए हम तो, फिर उसने फिर नॉक नॉक हुई, मैंने कहा बेटा अब तो उठना ही पड़ेगा। तो मैं उठा, तो वो आंटी थी जो जिस जिनका है वो, मतलब जिनका पीजी था वो, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, क्या कहते हैं, पानी आने नहीं वाला कल और परसों, आपके पास जितनी अरे भी बाल्टी है जाके पानी भर लो। मैंने कहा कसम से मैं ऐसा हो रहा हूँ, मतलब बहुत ही भयंकर नींद में एकदम। और फिर मैंने क्या करा, मैं अपने पूरे कपड़े चेंज करे, क्योंकि पूरे सब गीला हो जाता बहुत ही, क्योंकि ऊपर नीचे पानी लेकर आना है, तो मैंने नेकर पहना, ऊपर शॉर्ट्स पहना, भाई साहब 3 बाल्टियां भर के लेकर आ रहा है, पूरे पानी में नहा गए। रात में मतलब रात में नीचे जाओ, 3 फ्लोर नीचे, और ऊपर उठा के लाओ बाल्टी को। और फिर मेरा जो दोस्त था आयुष, उसको बुखार हो रखा था साले को, उसकी 3 बाल्टियां भी मैं ही उठा के लाया, मन कर रहा था नहीं थप्पड़ खींच के मारू साले के, एक नींद काम चौपट हो गई। करता ना, उसकी बाल्टी में मुंह देता, लेके ले बेटा ये ले तू, बेटा इससे इससे नहा। नहा के और देखो बेटा, तुम्हारा बुखार नहीं उतर अरे जाएगा। सीरियसली, अभी तो साइंटिफिकली प्रूफन है, बहुत हेल्दी नहीं इतनी होती इतनी साइंस मत दिखाओ यार, सही है। है। तो वो भी बहुत ज्यादा लगा था, मैंने कहा अगर सोच के देखा मेरे घर पे होता तो मुझे तो कमबख्त कोई ना उठाता, मैं तो आराम से सोता रहता। यार वो तो मतलब घर में तो, घर तो घर, मतलब अजीब लग रहा था, क्योंकि वो ऐसे खड़े हुए थे ना, जो अंकल थे जिनका घर था, वो ऐसे खड़े हुए थे, और हमें ऐसे मतलब मुझे पहली बार ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी, नौकर टाइप वाली फीलिंग आ रही थी नहीं मतलब। यार मतलब बाहर जाओ तो ऐसे ही करना पड़ता है ये सब। और पर अभी तो उसमें हम फिर तो तब हाँ भी ये बहुत समझ, लकी हैं, हाँ पुराने हाँ हाँ टाइम में तो और भी बहुत चीजें होती थी जो मतलब अभी हम सोच भी नहीं सकते करने की। हाँ सही बात है, क्योंकि अभी तो प्रिविलेज आधे से ज्यादा प्रिविलेज तो उसकी वजह से आ गया, मशीन्स की वजह से। अरे मशीन सोच वाले पैसे से आ गया पहले हमें, पहले तुझे क्या लगता है पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को इतने पैसे देते थे जितने आज लोग हमें देते हैं, है हाँ वो तो है ही, उतनी तो ना? होगी, पर थोड़ा उसका फर्क इन्फ्लेशन का भी तो होगा ना, पहले तो सैलरी इतना के बराबर होती थी। अरे मेंटालिटी का भी तो फर्क है यार, पहले कहाँ लोगों को कुछ भी देते थे पेरेंट्स वगैरह, हाँ लाइक ये बात कितने भी ज्यादा है, ऑब्सेसिव थे, प्रोटेक्टिव थे, आप थोड़ी ना इतना ज्यादा। मतलब अबे अब भी बहुत है यार, समझ सोच नहीं। अगर कंपेयर करेगा तो उतना नहीं है लाइक हाँ उसके पहले। कंपैरिजन में तो नहीं है, पर वो भी फैमिली टू फैमिली हाँ डिपेंड है तो करेगा। काफी, वो तो मेरे को मालूम है काफी है। बट अब यार बस यही सोच के खुश रहो कि हम अभी पैदा हुए हैं, पहले पैदा नहीं हुए हैं। पता नहीं इसमें डिपेंड करेगा ना, कोई बोलेगा मैं 40 साल बाद जिएगा, वो कहेगा हम इस टाइम में पैदा होते ज्यादा अच्छे रहते, पता नहीं क्या है। हाँ फिलहाल जहाँ पैदा हो गए वहां पे खुशी मना रहा सही है। है हाँ साले, बस उसी उसी पे रहना चाहिए, रहा कि पहले या बाद। और क्या, सही बात है। और तुम्हारे आर्टिकल्स कैसे चल रहे हैं? आर्टिकल्स चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। अभी मैं उस पर लिख रहा हूँ मोबाइल एडिक्शन पे, मैंने ओहो कहा मैं तो ये इसमें मुझे आराम से, चाहिए, यानी देखना है मेरे को इसको। अभी लिख रहा हूँ तो साले पब्लिश होगा कम से कम मार्च एंड में या अप्रैल स्टार्टिंग में। तो तूने इसका क्या मतलब, तू कैसे करेगा, तू कभी था एडिक्शन में, मोबाइल एडिक्शन में हाँ हाँ हूँ बिल्कुल हूँ। तू है, तू साले अरे आर्टिकल दिख रहा है। और क्या, मतलब क्या बात ऐसा तेरे साथ भी होता होगा ना कि तुम तो निकला नहीं है फोन, अभी उसमें से, बता क्या मतलब? तू मोबाइल एडिक्शन से निकला नहीं है ना अभी, एडिक्शन में क्या नहीं काउंट कर नहीं रहा है तू? एडिक्शन में ऐसे काउंट करो जैसे सपोज मैं बुक पढ़ रहा हूँ, फिर कोई वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया तो मैंने मीनिंग के लिए मोबाइल ढूंढा, हाँ मोबाइल में सर्च किया, और फिर पता नहीं चला कब मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने लग गया हूँ, एग्जैक्टली फिर बिल्कुल सही। वहां से इंस्टाग्राम, वहां से ट्विटर, वहां से पता नहीं कोरा रेडिट सब सब आ जाता है। हाँ और तो फिर तुम तूने भाई तो क्या निचोड़ निकाला, तूने कैसे रोकेगा इसको? है, मतलब मैंने अभी लिखना स्टार्ट किया है तो, हाँ और मतलब पहले तो देखूंगा लोगों ने क्या क्या लिख रखा है।
उसके ऊपर से फिर अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। अब इससे इसमें सही तो बताऊं तो हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि मैं बहुत आराम से छोड़ सकता हूँ उसे। पता मैं तो पता है मेरा तो YouTube से एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, बल्कि मेरे को तो लगता है क्या देख रहा हूँ मैं यार, ये मेरे तो मन भी नहीं कर रहा कसम से देखने, पर मैं देख वही रहा हूँ फिर भी। मतलब अब मैं अवेयर हूँ कि मैं, हाँ अच्छा मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा मतलब हूँ एक उसका। मैं एक बात बोल सकता हूँ कि अगर इस टाइप के फॉर्मेट में मुझे कोई और चीज मिल जाए तो मैं बहुत जल्दी अडॉप्ट कर दूंगा उस पे। हाँ खुद मैं खुद वही ये लेकिन इन्होंने जो फॉर्मेट बनाई इतना इतना ज्यादा वो है ना, क्या कहते हैं, एडिक्टिव उन्होंने बनाया ही है उसको इस तरीके से, वही खास करके व्हाट्सएप और फेसबुक, ये तो इन्होंने इस तरीके से फॉर्मेट किया है उसको कि तुम बहुत ही आराम से देखोगे इसको, पढ़ते पढ़ते कोई चला सकता है इससे ज्यादा, मतलब कोई यूट्यूब वीडियो देखेगा उसको ब्रेक लेना ही पड़ेगा, ये व्हाट्सएप तो बिल्कुल कोई वैसा पढ़ते ही है पढ़ते ना। कर लेगा। हाँ और क्या भाई, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ड्रग्स लोग लेते हैं ना, एक हाई मिलता है हाँ उन्हें, हाँ समझ गया। ये बिल्कुल वैसा ही है अबे जैसे मैं कोई तो अपनी लाइक वीडियोस के करे। बीच बीच में चैटिंग कर लेता हूँ, कितनी बार तुम लोगों से मैंने चैटिंग करी है, मैं वीडियो बना रहा होता हूँ उस टाइम हाँ तुम पे। बोलते थे हो कि भाई मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ अबे बातें मेरे साथ करते हो चुका करते। है ना तो मैं, लेकिन वही है ना कि ये गलत भी है काफी हद तक, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक हल्का सा तो रहता ही है ना कि चैट कर रहे हाँ वो चीज है, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसका मतलब एक ही चीज समझ में आती है मेरे को कि तुम इससे इसको मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको बस डाइवर्ट कर सकते हो। लाइक हो। लोग मेरे करते हिसाब हैं से ना तो वो कि एडिक्शन को हटाया नहीं जा सकता, मेरे हिसाब से तो तुम उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी भी चीज को। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ रिप्लेस, जैसे लोग कहते हैं कि भाई अपना मोबाइल लॉक कर दो या फिर ना अपने कमरे पता में मेरा, रखाओ। मैंने इसको मैंने पूरा हर तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रखा है, मैं बहुत हाँ गुजरा हुआ इन मैं वही चीजों सब लिख रहा हूँ, मैं वही सब लिख रहा में। हूँ कि मैंने भाई फिलहाल तुम इसमें ये कब देखा तक। है कि इसका मेन रीजन जो मेरे को समझ में आया अभी तक वो ये है कि इसका मेन रीजन है एस्केपिज्म, कि तुम एस्केप होना चाह रहे हो कहीं से, किसी चीज से बेसिकली। अगर मुझे पढ़ने, मैंने सोचा कि अभी मैं 3 बजे में पढ़ने वाला हूँ अभी, और मैं आके बस कहता हूँ 1 मिनट के लिए फोन उठा के देख लेता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ भाई कि तुम्हारा मन ही नहीं था वो 3 बजे वाला काम करने का। और क्या, मतलब इतना स्ट्रांग मन नहीं और एक था। और चीज भी था, क्या कहते हैं इसको, सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ फोन के साथ करोगे, अगर फोन नहीं हुआ तुम कहीं हाँ ना तो कहीं से लैपटॉप जुगाड़ करके भी हॉटस्पॉट खोलोगे, लैपटॉप खोलना शुरू कर दोगे, लैपटॉप नहीं कुछ ना कुछ राइट। ऐसे जरूर करोगे, मतलब उस दिन मेरा उस टाइम पे स्पेशल बन करेगा, मम्मी की मदद करके आते देखे मम्मी क्या कर रही है। मतलब कुछ भी हो जाए पढ़ूंगा नहीं, मतलब ये तुम्हारे में सेट हो चुका है। वही वही तो वही ये वही इसका मेन सब, रीजन एस्केपिज्म है, मतलब मोबाइल एडिक्शन में नहीं है ये, मेन एडिक्शन कोई भी हो यही उसका रीजन होता है, कि और मतलब क्या बेसिकली ऑल्टरनेटिव तुम है। डिस्ट्रैक्टेड हो, हाँ तुम्हारे जी अंदर कोई इतना बड़ा एम नहीं है कि तुम सारा ध्यान अपना वहीं पर लगा सको बाकी सब छोड़ के। हाँ हाँ, पर ये तो पता नहीं, फिर मेरे को ये लगता है कि यार अब तो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना था, फिर भी ऐसा होता है कई बार, पता नहीं क्या अच्छा है। चल तू बता, जैसे हाँ तूने क्या क्या उपाय पढ़ रखे हैं नुस्खे, वो नुस्खे कहते हैं नुस्खे वगैरह अरे मैंने मोबाइल देखो एडिक्शन दूर के, क्या क्या पढ़ रखे हैं तूने, लाइक बहुत जल्दी बता सबसे कौन सिंपल, से। तो मैंने ये पढ़ा था कि अपने फोन पे वो लगा दो, वो वॉच वो होता है ना हाँ ठीक है वो सब स्क्रीन हटा टाइम वाला, सकते हैं जब बहुत मन वो सब करता तो हटाया जा हटा सकता है, दे। वो हट जाता है। मैंने फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने सेकंंड था, मैं तुम लोगों को बताया भी था, मैंने यूट्यूब डिलीट कर दिया, मैंने फेसबुक यूट्यूब सब सबको डिलीट कर दिया मैंने। डिसेबल कर दिया डिलीट फिर कैसे। हमारा उसका उपाय ये था कि हमने गूगल क्रोम पे जाके सब खोल लिया, बात हाँ वही पड़ी, भाई भाई बात वही भाई पड़ी, क्योंकि बात उसका वही वही सबका मेन पॉइंट तो देखेगा एस्केपिज्म ही निकल के आ रहा है, क्योंकि निकलना है कहीं ना कहीं। हाँ तीसरा भाई ना और क्या किया था मैंने, हाँ तीसरा मैंने ये किया था कि मैंने ये नोट किया था पूरे दिन में कि मेरे को कब कब अर्ज उठती है इस चीज की, कि मेरे को अब फोन उठा के कुछ देखना है। ये हाँ बहुत ही इम्प्रैक्टिकल आइडिया था, क्योंकि जो अर्जेस के नहीं टाइम पे मैं, प्रैक्टिकल लगता है नहीं नहीं सुन, तो जब लेकिन मैंने अर्जेस का टाइम मैंने उठाया हर समय। तो मतलब ऐसा हुआ कि मैं लेट से 4 बजे मेरा ऐसा होता कि मैं फोन चलाऊंगा या फिर कोई यूट्यूब, तो हाँ मैंने तो नोट किया था कि मैं 7-8 दिन से लगातार सुबह के 10 से 11 के बीच में कोई कॉमेडी वीडियो या फिर कोई जिस टाइप का कुछ देख रहा होता हूँ, यूट्यूब चला रहा होता हूँ। तो मैंने कहा इस अच्छा टाइम पे नहीं करूंगा मैं, तो मैं इस टाइम पे चला कुछ गया और टाइम बाहर, कर मैं लो। दुकान पे चला गया, और जब अच्छा मैं लौट के आया तो मैंने तब शुरू कर दिया, मैंने बात तो वही हाँ पड़ी। देखो बात मतलब वही तुम्हारा आज पड़ी का टाइम शिफ्ट हो गया, तो मैं बेसिकली एस्केपिज्म ही है मेन आंसर इसका, कि तो भाई तुम्हें एस्केप होना है किसी भी चीज से। भाई। फिर लोग कुछ करते हैं कि अपना मोबाइल उठा के कहीं और रख दिया, दूसरे अबे कमरे में रख बेसिकली दिया। तुम्हारे पास ये एडिक्शन ऐसा हो रहा था कि तुम इसको जैसे ऐसे देखते हो कि तुम्हारा ये शेड्यूल है कि अच्छा 3 से 4 तो मैं पढ़ता हूँ, तो अरे यार आज मैंने फोन नहीं चलाया, आज ऐसा कैसे हो गया, ये तो बहुत गड़बड़ हो फियर गई। ऑफ मिसिंग अब तो मैं मॉरली करेक्ट हूँ एकदम फोन चलाने वक्त, मतलब मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ इस टाइम पे, ये बिल्कुल सही तरीका है, आउट। हाँ ये भी सही बात ये कही है तुमने, ये जैसे है। लोग ऐसा करते हैं ना कि 6 घंटे तुमने मोबाइल नहीं चलाया तो अब हाँ लोग लगता है कि भाई मैं एंटाइटल्ड हूँ, अब तो मैंने एंटाइटल्ड छह हूं मैं, हाँ घंटे यही शब्द यूज करना था मेरे को, एंटाइटल्ड हूं मैं, मतलब मेरे मैंने को 6 घंटे बकायदा, हाँ काम जी किया मैंने, अब तो मैं वही, 4 घंटे मोबाइल चलाऊंगा। चाहे तुमने साले 6 घंटे के काम में तुम हर बार यही सोच रहे थे फोन चलाना है हाँ फोन चलाना है, मैं फोन नहीं चला रहा हूँ। ये वही, लेकिन पर ये किसी भी एडिक्शन के लिए होगा, ये सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं है, हर किसी से। मोबाइल तो बहुत ज्यादा हो गया ना लेकिन आजकल यार मोबाइल तो ऐसा हो गया कि रात हाँ, को ज्यादा इनफैक्ट पता है अब तो मेरे को वो आर्टिकल्स पे हंसी आने लगती है जो लोग बोलते हैं कि 3-4 घंटे का स्क्रीन टाइम, मैंने कैसी बातें कर रहे हो, 3-4 घंटे का स्क्रीन टाइम, मैंने कहा मेरी तो साली वीडियो 4 घंटे की होती अबे वैसे अगर सोचा जाए तो हाँ अपना स्क्रीन टाइम टोटल कितना होगा दिन का, मुझे तो मेरे ख्याल लगता है से मैं छह सोने घंटे हटा सोता हूँ, दूं मैं 6 घंटे सोता हूँ, बाकी लगा ले तू। बाकी वही लगा लूं, मैं भी यही कहना वाला था। क्या तो सर लैपटॉप या मोबाइल वही
बल्कि अब तो मेरा मेरा बताया अब क्या हो गया, पहले मेरा ऐसा था कि अच्छा फोन नहीं चलाना है, अब मेरा ऐसा हो गया अच्छा फोन नहीं चलाना है तो लैपटॉप ही तो चला रहे हैं, ये थोड़ा स्क्रीन टाइम है हाँ कोई, क्योंकि उसमें काम कर रहे हैं ऐसा लगता नहीं है। उस पे काम कर रहे हैं या फिर वो दूर है थोड़ा, फोन तो बहुत पास में रहता है आंखों के। हाँ लेकिन लैपटॉप बड़ी होती है। पर पता है एक और चीज मैंने नोटिस करी, पता है लैपटॉप में एक तो है कम से कम तुम्हारा पोस्चर सही रहता है, तुम्हारे जिस पोज में भी तुम हो, फोन में सारे तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी कब गर्दन ऊपर नीचे कहीं पर भी हो रही, तुम्हें पता क्या है तुम झुक सकते हो, तुम्हें पता भी नहीं हो कि तुम झुक कर बैठे हुए हो इतने, तुम अबे फोन नीचे लैपटॉप में रखोगे भी ऊपर। कभी कभी मेरे को लाइक होश नहीं होता भाई कि मैं मैंने झुक कर अपना बैठा हूँ। लैपटॉप अभी तक बेड पे नहीं रखा है एक बार भी, हाँ तुम रखते नहीं ना, मैं तो रख लेता हूँ कभी कभी। नहीं वो मैं कर सकता हूँ बहुत आसानी से, मैंने एक बार किया था मेरे को मजा आ रहे थे, मैंने कहा नहीं ये लिबर्टी ये मेरे मतलब क्योंकि वो अच्छा लग रहा था ना काफी आराम, अरे वाह लेटे लेटे काम हो रहा है, फिर मैंने कहा नहीं यार ये लिबर्टी दूंगा नहीं मैं, अगर दे दिए तो फिर ये फिर आदत पड़ जाएगी, हाँ वो सही हटा कर रहा रखी है। है तो लिबर्टी, वो तो तुम्हें क्या है। लगता है इसका लाइक परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी काम तो होना ही चाहिए ना जिसपे तुम भाई ना एक पर्पस आ जाता मतलब है वही मेरे घूम पास जैसे करके। अभी है तो अभी मैं नहीं देखता कुछ भी, मेरे पास आता है मैंने कहा हाँ देख लेंगे क्या है क्या, मतलब अगर YouTube की रिकमेंडेशन भी आती है तो बहुत एक्सट्रीम होनी चाहिए कि मैं सब काम छोड़ के उसको खोल मैं देखूंगा उसको मैं। अब YouTube तक तो पहुंचने की बात ही नहीं है, फोन ही उठा, फोन ही नहीं उठाना है तो क्या करोगे? मतलब फोन ही नहीं उठाना क्या है होना चाहिए? या लेट्स सम कैलकुलस पढ़ लो, मेरे को कुछ ज्यादा मजे आ रहे हैं, कभी कभी आ रहे हैं कभी कभी नहीं आते हैं कि बोरिंग हो रही है लगता है बहुत, ये तो बहुत ही सही चीज है, तो जब बहुत ज्यादा हाई होता है तो मैं किसी का फोन हो या किसी का चैट हो कुछ भी नहीं मैं सीधे इग्नोर मार देता हूँ, मैं सीधे करने बैठ जाता हूँ जो कर रहा था, हाँ वही चाहिए, और तो कोई तरीका ही नहीं है जब और तो तुम कोई बोर हो तरीका रहे ही थे नहीं। तो, क्योंकि अब उसने इतने अच्छे से हमारे अंदर घुस गया है ना, वो तुम्हारा पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, वो पहले पार्ट ऑफ लाइफ नहीं था। वही ना, क्योंकि बेसिकली लोग कहते हैं मतलब लोग उसी में उलझे रहते हैं, छोटे छोटे नुस्खों में वो पता है मेरे काम पास करते एक नहीं ऑड लॉन्ग आउट टर्म। भी है, क्या पता नहीं मेरे को एक और बहुत सही चीज लगती है आई डोंट केयर वाली, मतलब आई हाँ डोंट वही केयर ना, का मतलब फियर होता ऑफ है कि मिसिंग अब आउट का वो हटा दो, मतलब हाँ मतलब जैसे फोमो नहीं होना चाहिए एक तरीके से। बेसिकली फोमो उनसे, जैसे तेरे को पता है उसका जैसे अमेरिका और ये जो जितनी तुम्हारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं यहाँ पे तो तुम्हारा अब वो कल्चर शुरू हो गया है, पता तेरे को क्या वो कल्चर इन द सेंस कि कुछ लोगों को पता है कि हाँ फेमिनिज्म एग्जिस्ट करता है कि लिबरलिज्म होता है ये सब होता है, तो अब वहां के बहुत सारे लोगों को पता है ये चीज, तो अब तो जिनको पता है उनको ढंग से पता नहीं है तो अब वो इस बात को झाड़ते हैं कि मुझे पता है कि मैं फेमिनिस्ट हूं तो मैं इन बेवकूफों से अच्छा हूं क्योंकि इनको नहीं पता ये बेवकूफ लोग हैं, जैसे इसका कई लोग एडिक्शन से क्या लेना देना। नहीं मैं बता रहा हूँ ना इसका वो कल्चर का मतलब बताया, जैसे अब ऐसे मान लें इंडिया में ये बढ़ेगा धीरे धीरे क्योंकि इंडिया की ऑडियंस जो है वो लिटरेट होगी अब, तो लोगों को इस बात का फोमो होने लगता है कि यार इन लोगों ने छोड़ दिया होगा फोन चलाना या फिर जर्क ऑफ करना या फिर कुछ भी करना, ये लोग अब आइडियल लाइफ जी रहे हैं मैं नहीं जी पा रहा, तो लोग पूरे दिन बैठ के ये सोचते रहते हैं कि मैं अपना फोन कैसे छोड़ू और मैं ये कैसे छोड़ू ये कैसे छोड़ू, पर रेदर देन अगर वो मुश्किल से 10-15 मिनट लगाते हैं इस पे दिन का और अपना काम करने पे फोकस करते हैं वो ज्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से, तो इनफैक्ट ये तो संदीप महेश्वरी ने भी बोला था, क्या ये उसकी उस वाली वीडियो में था उसकी मास्टरबेशन वाली वीडियो पे था ये, कह ओह तुम अपनी उस पे लगाओ ना तुम्हें कह तुम्हें फर्क क्या पड़ता है इससे, अगर तुम्हारी नेचुरल जा रहा है अगर तुमने दिन का 15 मिनट हटा करके पूरा टाइम अपना काम पे लगा दिया तो वो ज्यादा अच्छा है या फिर ये ज्यादा अच्छा है कि तुमने 15 मिनट तो लगा ही दिया इस पे उसके बाद तुम पूरे दिन ये भी देखे जा रहे हो कि इसको छोड़ू कैसे करे, ये हाँ बेवकूफ वाली स्टेज है एकदम, और करे सही बहुत बात लोग है। इसी में फंस जाते हैं कि एडिक्शन के बारे में पढ़ पढ़ के साले पागल हो पड़े हैं और छोड़ भी नहीं पा रहे हैं हाँ यार ये भी बहुत होता ये मैंने उस पर भी देखा था एक और चैनल है प्रखर के प्रवचन करके, तो उसका भी यही पॉइंट था कि तुम्हारा ये होना चाहिए आई डोंट केयर यार कल जल्दी से करो निकलो यहाँ से, है, आई मेरे तो डोंट फोन के साथ केयर। ऐसा हो गया है कि मेरे अच्छा को फर्क ही नहीं पड़ता हाँ चला रहा हूँ क्या कर सकते हैं छोड़ो क्या करना है, ये ऐसा करता हूँ मैं आधे घंटे में चला के छोड़ देता हूँ, मैंने कहा चलो काम करते हैं कुछ, आधा घंटा भी बहुत होता है भाई। अबे आधा घंटा पूरे दिन में क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ हाँ पूरा दिन के साथ से तो सही है फिर। मेरे को तो याद भी नहीं, मैंने आखिरी यूट्यूब वाली वीडियो कब देखी थी कोई उस टाइप की जिसको मैं कंसिडर करूंगा हाँ जी ये मेरा टाइम वेस्ट हुआ मेरे ख्याल से अगर टाइम वेस्ट भी कर रहे हो खुशी से तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ ना एक भाई ये स्टेटमेंट मत तरीके लिख देना लोग कहेंगे सही हम तो कैरी मराठी की वीडियो देखेंगे उसमें तो हमें खुशी हो रही है बहुत, से। अरे नहीं यार मतलब थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है मतलब बट अगर मेरा ऐसा तुम है ना जैसे लेट्स से अगर कई बार मेरे साथ ऐसा तक हुआ है कि लेट्स से मैं कोई पॉडकास्ट देख रहा था और उसमें कोई बहुत ही एपिक साइकोलॉजिकल पॉइंट चल रहा है उसके लिए हाँ मैं कुछ भी छोड़ देता हूँ तो अब इसको तुम फोन एडिक्शन थोड़ी काउंट करोगे, ये तो तुम्हारे को टॉपिक के साथ एडिक्शन था कि साइकोलॉजी के ऊपर कुछ बात चल रही है मेरे को मजे आ रहे हैं इसमें, हाँ वही ना, तो ये टाइम तो वेस्ट कहाँ हुआ, एक वो तरह इसका टाइम वो अब यूटिलाइज हो इसको रहा है। तुम हंसोगे फिर से ये पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन बोलेंगे इसको तुम्हारी तो स्किल पे तो आ अभी रहा है तू ना ये, ऑक्सीमोरन यूज कर रहा है तू, ये डिस्ट्रैक्शन थोड़ी ना हुआ एक तरीके से, लाइक ये तो मतलब। अबे डिस्ट्रैक्शन हो गया ना तुम्हारे जो मेजर एम था उसके लिए, अरे जैसे तो मेरा भाई अरे एक मिनट तो तेरी मैं तेरे को साइकोलॉजी अपना है। एक मिनट मैं तेरे को अपने तरह से बता रहा हूँ, मैंने अपने पहली प्रायोरिटी बना रखी कि मेरे को ISI CMI क्रैक करना है इस साल, अगर ये अगर तुम्हारी ये पहली प्रायोरिटी है तो अगर तुम उस जब तुमने सोचा था कि ये करना है उसके बदले में तुम कुछ वो देख रहे हो लेट्स से
साइकोलॉजी की कोई पॉडकास्ट देख रहे हो, तो फिर ये तो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन हो गया ना तुम्हारे उस काम के लिए। अबे देख, तेरा गोल आईएएस है थोड़ी ना है, तेरा गोल एक स्टेबल करियर है और एक अच्छी लाइफ है, वो है ना तेरा गोल। तो ये एकदम से, ये तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये गोल तो ट्रांसपेरेंट नहीं, ये तेरा जो, ये तो एपिक गोल है, यही अल्टीमेट गोल तो यही है दिमाग के अंदर। हाँ तो एक एक तरीके से लाइक ऐसे अबे तो देख, यही तो गोल चलता है उस टाइम पर जब तुम कर रहे होते। जैसे मैं नहीं सोच रहा कि यार अब मैं एक घंटे में पढ़ूंगा। हाँ समझ गया समझ गया। जब वो पॉडकास्ट, अरे भाई ये तो लाइफ के लिए जरूरी है। लाइक तो ये हो जाता है, जबकि मेरा तो कोई काम धंधा नहीं, मैंने कहा मेरे तो कभी काम में नहीं आने वाला है। जैसे उस टाइम पे शायद डिस्कशन इस बात पे चल रहा था कि ट्रांसजेंडर है और शायद उसका इंसेस्ट है, क्या क्या चल रहा था। मैंने कहा मेरे किसी काम का ये नहीं तो है ये। देख रहे थे फिर तुम बकवास ही अबे साइकोलॉजी ऐसे का। नहीं होता है ना, पॉडकास्ट कोई इस नाम से शुरू होती है, पॉडकास्ट तो बस शुरू हो जाती है, फिर इधर का टॉपिक उधर से निकलता है, उधर का इधर से निकलता है, तो वो समझ में नहीं आता ना, पर तो उसमें फिर मजा आने आर्टिकल लगता पढ़ा है। करो ना तुम, अबे मेरे आर्टिकल आर्टिकल पढ़ा करो बस। अच्छा पॉइंट की बात होती है, बस पॉइंट की इधर उधर बात की होती बात है। नहीं होती। अबे ऐसे नहीं है, थोड़ा इधर उधर का भी पता रहना चाहिए। हाँ, लोग इधर उधर में उलझे हुए हैं पूरे टाइम, अबे इधर मेरे से के उधर साथ एक और उधर की दिक्कत बात। हुई ना, जैसे मैं मानो मैथ्स का लेक्चर बना रहे, तो जब अब तेरे को मैं बता ही चुका हूँ, मैं तो खुद ही ये काम करता हूँ कि मैं 100-150 जॉब से मिला मिला के करता हूँ, कि मेरे को तो और मजे आते हैं इस तो काम में। जैसे तू नहीं करता अपना आर्टिकल लिखने से पहले, तू कह नहीं रहा मैं ये पढ़ूंगा कि और लोगों ने क्या क्या बोल रखा है, हाँ वो तो सब तो कोई भी करता ओपिनियन बनाने से पहले मैं भी तो पढ़ता हूँ ना इधर उधर का, इसने क्या बोला इसने क्या बोला। हूँ। अब मैं तेरा आर्टिकल जब पढ़ता हूँ तो मान लेता हूँ चलो संदीप महेश्वरी निपट गया इसमें, तू भी निपट गया और 3-4 लोग निपट तो गए। मेरा ऐसा हो जाता है। बढ़िया, फिर कुछ खराब क्या है उसमें। हाँ सही बात है, पर साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट तो है ही, वरना हम लोग भी उन्हीं की। जैसे तू नहीं करता अपना आर्टिकल लिखने से पहले, तू कह नहीं रहा मैं ये पढ़ूंगा कि और लोगों ने क्या क्या बोल रखा है, हाँ वो तो सब तो कोई भी करता ओपिनियन बनाने से पहले मैं भी तो पढ़ता हूँ ना इधर उधर का, इसने क्या बोला इसने क्या बोला। हूँ। अब मैं तेरा आर्टिकल जब पढ़ता हूँ तो मान लेता हूँ चलो संदीप महेश्वरी निपट गया इसमें, तू भी निपट गया और 3-4 लोग निपट गए। मेरा ऐसा हो जाता है। तो बढ़िया, फिर कुछ खराब क्या है उसमें। हाँ सही बात है, हाँ पर साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट तो है ही, वरना हम बहुत लोग भी उन्हीं की तरह फंस जाएंगे, इनको समझ में नहीं आ रहा होगा ये हमारे साथ हो क्या रहा है। भाई, मैं उस बट सेतु सारा को बिल्कुल सर नहीं मेरे पहुंचना को चाह रहा हूँ। पहले मेरे आर्टिकल में एक भी सब हेडिंग नहीं थी, मतलब हाँ पूरा प्लेन आर्टिकल था। अबे ये मैंने तेरे से पता है, ये मैंने तेरे से कहा था उस टाइम भी, यार तेरे बहुत ना, मैं पता नहीं तेरे से कहा नहीं कहा, जब मैं पढ़ रहा था मैंने कहा ये साला खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ मतलब भाई ना, वो मेरे को लगा कि हाँ इतना बड़ा है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या है, कहाँ तो से मैंने क्या है कहा वही, चलो अगर सब्जेक्ट का। हाँ पता ये हुआ, जैसे मानो एक बार मैं पढ़ रहा था और बीच में कोई काम आ गया था, मैं उठ के चला गया था और हाँ उसमें सब हेडिंग पड़ी हुई थी, तो मैं वहीं से मैंने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छा इतना तो हाँ पढ़ है लिया ना इसके बाद का, वरना जब तेरा भाई। मैंने पहले छोड़ा मैंने कहा यार ये मैंने कहाँ छोड़ा था, मैं तो भूल ही भूल गया हम पढ़े जा रहे हैं साला सोच स्टार्टिंग में। भाई, मैंने 30 आर्टिकल लिख रखे हैं, 30 के 30 मेरे को वापस जाना पड़ा, सब में हेडिंग लगानी पड़ी, एडिट जब करके डाउनलोड यार करते हैं मैं पता सोच। कहीं पर बड़ी बहुत ही बुरा लगता है ना, क्विंटिन टैरेंटिनो और इस टाइप के अगर क्रिएटर्स की मूवी देखो ना, लगता है यार इनको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, मतलब हमारी तरफ से इनका कुछ नहीं हो पाया इनका। भाई ना अब सोच कितनी बड़ी इंडस्ट्री है पायरेट्स पायरेसी की, साले कितने लोग इलीगली डाउनलोड करते हैं सारी मूवीज अबे वगैरह टीवी अनुराग शो कश्यप पूछते है, पूछते। हाँ अनुराग कश्यप ने बोला था मेरा तो पूरा करियर ही पायरेसी पे बना हुआ है। पता है वो तो सीधे पूछ लेता था उसने, कुछ लोग उसका इंटरव्यू लेते थे कि सर आपकी गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत अच्छी लगी। तो उसने बोला तुमने कहाँ देखी ये देखे बताओगे, कहाँ, डाउनलोड करके देखे कह रहे हॉल में सब। तो है नहीं, सिनेमा में तो लगी नहीं, तुमने आज देखी कहाँ पे ये बताओ। अरे भाई सीडी कोई इंटरव्यू खरीदता खत्म, नहीं। और टीवी पे आती नहीं है, यूट्यूब पे लगी रहती है वो, अब तो यूट्यूब पे डाल रखी है उन्होंने फिलहाल फ्री में। मतलब इस टाइप से वो कहता है कि मेरा तो पूरा करियर ही उससे बना है, मेरे को तो लोग जानते ही नहीं थे कि है कौन ये, सबको इससे पता चला है कि हाँ यार लोग सब जो अपनी देख पीढ़ी पे कितना शेयर बड़ा करते हैं नाम ना, लोग है पीढ़ी पे शेयर करते हैं अरे भाई मूवी बढ़िया लेगा तू, और फिर तुम देख वही। लेते हो। पुराने जमाने में तो यही होता था भाई, मुझे अच्छे से याद है एक शॉप थी हमारे यहाँ, वहां पे उनकी वो उसकी बस हाँ मूवी 100 रुपए सब, में 4 मूवी हाँ ले हाँ लो। हाँ 100 रुपए में 4 मूवी ले लो, ये हाँ होता बटलर था। प्लाजा में, ये तो अभी भी होता है बटलर प्लाजा में हाँ तो। वो तो खैर गरीबों वाली हरकतें हो गई, अगर अभी भी होता है तो। पर बट साले कितना कितना नुकसान होता होगा लोगों को, लाइक हाँ अगर यार पायरेसी पूरी तरह मतलब बंद ये हो मुझे जाए अब हंड्रेड क्या लग रहा परसेंट था कि जब तुमने अपना कंटेंट बना रखा है और किसी ने कॉपी कर दिया, वो साला देख रहा तो कुछ भी नहीं मिल रहा, वो हाँ तुम्हारी यार तारीफ भी कर रहा है, मैं अनुराग कश्यप की तारीफ करूंगा पर मैं क्यों करूंगा, तो उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका। है ना, हाँ आग मैंने लगता क्या होगा ना तेरे को। करना है। फिर मेरे को लगता है कि यार अभी भी अगर देखा जाए तो मतलब मैं कैसे लगा सकता हूँ, मेरे पैसे थोड़ी है कोई, वो ना तो मैं जाके उसकी डीवीडी खरीद सकता हूँ ना, मैं नेटफ्लिक्स ले रखा, तूने ले रखा है नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स ना भाई जुगाड़ है, मतलब मौसी का है, ऐसे नहीं कोई पैसे दे नहीं रहा, लाइक मौसी के कोई रिश्तेदार है वो अच्छा पैसे दे रहे हैं, तो उनकी 4 स्क्रीन है उनके पास, अरे अच्छा, तो 1 स्क्रीन हम यूज कर लेते हैं, बट हाँ मैं फिर तो पैसे मेरे दे नहीं रहा। को ऐसा लगता है कि मतलब टेलीग्राम पे कर लो ना बहुत आसान पड़ता है। मेरे को तो एक और चीज लगती है कि नेटफ्लिक्स पे देखूंगा यार बीच में नेट अटक गया या नेट कहीं वो हो गया, तो बता पूरा सस्पेंस खराब हो जाएगा इसमें, कब ऐसा तो है कम से कम अरे भाई एक एपिसोड पूरा अपने पास पड़ा हुआ है, ये मेरा जब मन तब देखूंगा मैं।
बट सोच साले जब हम उस साइड होंगे ना, जब हम क्रिएट कर हाँ, रहे जब हैं हम चीज़। आप क्रिएट कर ही रहे हो, अब सोचो तो तेरा तेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा आर्टिकल तो मतलब, हाँ मेरे आर्टिकल में कि मतलब तो फ्री में ही है। हाँ वो तो ऑलरेडी वैसी है ना, कोई कहेगा तेरे आगे क्यों पढ़ूंगा, बल्कि तूने तो अपने फोटोज वगैरह से हाईलाइट कर रखा है, तो वो कहेगा मैं तेरी से ही पढ़ूंगा सीधे, तो यही पढ़ूंगा ना, इंटरेस्टिंग लग रहा हाँ है। मेरा तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे तो वीडियो जितनी भी मैं क्रिएटिविटी कर लूंगा वो तो वीडियो के अंदर ही है। बस अब ये है कि इसमें अगर चैप्टर बन गए ना, ये तेरा टाइम स्टैम्प्स, उससे वो नहीं हो सकता ना कॉपी पेस्ट, अगर कोई बंदा डाउनलोड कर लेता है तो। नहीं, सपोज अगर तूने कुछ अपना बनाया और मैं उसकी बात करूँ फीलिंग्स की, लाइक तूने कुछ अपना बनाया और हाँ किसी और ने बिना पैसे मैं लिए वो समझ यूज गया, कर मैंने अपना दिया, कोई कोर्स बनाया लेट से, हाँ और वो किसी ने कॉपी कर लिया, वो टॉरेंट पे आ गया कोर्स तेरा, मतलब क्या होगा मेरा? एक तो तू टॉरेंट तू में पता तू है इतना तू मैं तू डिसेंट्रलाइज्ड, हाँ तो हाँ मैं समझ गया इमोशनल ब्लैकमेलिंग है कि अरे यार तुमने इतनी मेहनत करी और अब कुछ नहीं हो बट सकता, कुछ नहीं हो सकता अब अगर तब तो। भी वही करेंगे, मैं तब भी डाउनलोड करूंगा मूवीज है ना, हाँ तू भी डाउनलोड करता रहेगा टेलीग्राम पर से। वही है ना यार, कि फ्री वाली चीज तो अलग ही होती है, पर फिर मैंने एक नोटिस किया कि जो लोग अपना बजटिंग करते हैं वो लोग कसम से इसको भी एज अ चार्ज काउंट करते हैं, कि अरे यार नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम इसका भी हमारा चार्ज है। मैंने कहा हमारा कोई चार्ज भी नहीं है ऐसा, और हम पूरा एंजॉय करते हैं उसको बिना बट किसी अब पैसों मेरे को के। लगने लगा लाइक एथिकली कितना गलत कर रहे हैं एथिकली तो बहुत गलत है, फिर लगता है एथिक्स क्या होते हैं। जब साइकोलॉजी पढ़ लो ना, कि एक तो टॉरेंट में पता है इतना तो मैं तू डिसेंट्रलाइज्ड, होगा, तुम, हाँ मैं समझ गया इमोशनल ब्लैकमेलिंग है कि अरे यार तुमने, लाइव को रिकॉर्ड करके डाल दो बात तो वही। अरे अरे वो कर लोग लो करते हैं तुम उन डाल लोगों दो, ने, तो तो वो तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, समझा नहीं कहना तुम। क्या चाह रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी कोई मतलब काफी लोग ऐसे होते हैं ना, जो ये होते हैं हमें लाइव देखना है क्या जैसे लेक्चर, क्योंकि लाइव लाइव देखना डाउट है, सॉल्विंग हो सकती है, ये तो तुम ही कर सकते हो। जैसे टॉपर वाले हैं, उन्होंने वो बनाया था कि तुम अपने फोटो खींच कर डालोगे फोटो क्वेश्चन की और हम सॉल्व कर देंगे, अब ये तो सिर्फ वही कर सकता है जिसने पैसे दे रखे हैं, अरे बट जिसको फ्री में मिल रहा है उसको फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है ना, उसको फ्री उसको में ये सब सिर्फ नहीं मिल सकता भाई, ये अलग ही चीज होती है डाउट डाउट सॉल्व। क्लियरिंग नहीं है, बाकी सारा तो सब मिल रहा है उसे, बाकी दूसरों के डाउट तो मिल रहे हैं उसे फ्री में। हाँ हाँ वो तो मिलेगा ही मिलेगा, तो फ्री के लिए वो बहुत खुश है, कह रहा है भाई मेरे को फ्री में इतना मिल गया मेरे लिए बहुत है। हाँ तो ये इसी के बेसिस पे तो हमने पूरे अपने 3 साल निकाल दिए। अब तो साले टेलीग्राम इतनी बड़ी कंपनी है और वो लोग ये सब अलाउ कर देते हैं पता नहीं कैसे। मेरे को लगता था टेलीग्राम लाइक प्ले स्टोर पे अबे होगा। यार उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसे, तो गूगल को पकड़ूंगा मैं सब साले, सबसे पहले तो मैं हाँ गूगल वाला गूगल अपना की सारी प्रोडक्ट, फाइल्स भाई गूगल वाला अपना भी कोई प्रोडक्ट बनाएगा ना पेड़ होके, क्या कर ले साला मैं अपनी वेबसाइट पे खुद ही बेच रहा हूँ। हाँ यार ये भी कमाल है यार, गूगल में तो खुद ही जाता है, मतलब मेरे लिए एक आर्टिकल ऐसा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स लीक्ड, दूसरा आर्टिकल होगा उसका लीक हुआ है चाहिए किसी को। ऐसा होता है, ये मेरे साथ हो चुका है, मैं मूवी दिखा रहा था उसमें, अबे पता है वो है ना वही, अरे वो वाली क्या नाम है इसका, ये जेंगो अनचेंड, इसमें तेरे को वो वाला सीन याद है कि जब उसको उल्टा कर देते हैं वो, और वो आता है वो, हाँ नंगा होता है वो, हाँ हाँ नंगा होता है, उसको उल्टा कर देते हैं सीधे रस्सी को हाँ बांध के, मारते हैं। और हाँ फिर सर ऐसी पिक्चर अपनी बच्ची को दिखा रहे हो यार, 6 क्लास अरे की लड़की को, पागल मैंने स्किप कर हो गए दिए थे हो? यार काफी सारे सीन उन लोगों के लिए अच्छा तुमने स्किप कर दिए थे, कहाँ तो। रहे थे अबे उसे, क्या टीवी दिखा कहाँ रहे थे, लैपटॉप पे, पे? टीवी पे। ओ बहुत सही, तुमने स्किप कर दिए। हाँ मैंने स्किप कर दिया था, मेरे को तो पहले से पता था ना कि कब क्या आने वाला है, जैसे उसका वो न्यूड सीन था एक तरीके से उसकी, जब उसकी वाइफ को वो निकाल के लाते हैं उसमें से हॉट उस हाँ वाले, भाई और क्या, पूरा न्यू था हाँ वो, तो मैंने मैंने देखा, उसको मैंने स्किप कर पॉज दिया करके था। देखा था, दिख रहे थे सब, हाँ मैंने वही देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो मैंने पूरा स्किप कर दिया था सीन को, और किसी ने कुछ कहा नहीं। मम्मी पापा ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो समझ गया तुरंत कि इसमें कुछ गड़बड़ होगा इसलिए, और भाई उसको तो कुछ पता नहीं है, वो कहती भैया लग रहा है आपने ये स्किप हो गया लग रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं यार वो बहुत ही ना उस टाइप के सीन है, मारने पीटने वाले हटा देते हैं, हम लोगों को थोड़ी देखनी है मारने पिटाई, छोड़ो। और भाई एक बार गड़बड़ हो गई उसमें, वो वाला सीन था ना जब उसका बोलता है आई विल, हाँ कि तो वो जो है क्या नाम था उसकी बहन का क्या नाम था, वो आया था ना निक फ्यूरी निकलता है मेरे मुंह से, सैमुअल जैक्सन स्टीफन, वो आया था उसके बाद जब उल्टा लटका हुआ था हाँ कि हम तुम्हें वहां भेज देंगे, क्या नाम है इसका, खदान कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, प्लांटेशन कहते हैं जहां पे भी भेज रहे थे उसको, कि वहां तो तुम्हारी वॉल्स को निकाल के ऐसे करके कुछ बोला था उसने। तो वो वाला पूरा ना उसको समझ में नहीं आया कि इसने बोला क्या, और वो मैं स्किप भी नहीं कर पाया, मेरे हाथ में रिमोट नहीं था उस टाइम तक, तो मेरी बहन पूछी इसने कुछ बॉल बोला, इतना तो मुझे समझ में आ गया इसके आगे क्या बोला वही सोचो साले, पूरी पिक्चर में गालियां भरी पड़ी हैं, मार धार है, खून खराब है, और वो भी अबे ऐसा उस पे वैसा तो नहीं बहुत मजा अच्छा आया था। यार, उस पे तो सबको बहुत मजा आया, सबसे ज्यादा मम्मी आई, अरे इसमें आया मजा, कोई फालतू डायलॉग बात ही नहीं, सीधे मारनी गोली मार दी खत्म। अरे मम्मी ठीक है यार, वैसे मम्मी को भी दिखा दे, सबसे बड़ी बात है यार, मैं तो दिखा ना पाऊंगा, मतलब क्या साथ में तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा कि आओ साथ में बैठ के देखते नहीं हैं। यार हमारे तो बहुत मजा आते हैं, पापा को तो मजा आ गया एकदम, करे ये होती है गोलीबारी, इसको कहते हैं बाबा आया मजा, जहां तो तू करके मार देगा खत्म, और उसमें तुझे याद को ठग लाइफ की तरह मारता है वो, थच करके मारता है एकदम, हाँ वो वो सीन्स। मम्मी पापा तब भी ठीक है, तुम तो अपनी बेटी को दिखा रहे हो, अपनी बहन को दिखा रहे हो यार, अरे सच उसको भी में मजा आता है यार, तुम्हें
तुम उसको इतना बच्चा मत समझो, तुम्हें पता नहीं सिक्स क्लास के बच्चे इतने होते नहीं हाँ आज के मैं टाइम तो वही पे। तो कह रहा हूँ साले, देखने में तो पॉर्न भी मजा आता है बट गलत है ना। गलत क्या है इसमें? अरे यार उसके लिए थोड़ी ना इतना वायलेंस सही है। मतलब यार, लेकिन जब वो इतना वायलेंस ऑलरेडी साउथ इंडियन मूवीज में देख लेते हैं, बात तो साउथ वही है इंडियन में खून खराबा नहीं दिखाते इस तरह के, भाई, तुमसे किसने कह दिया? मार धाड़ होती है ठीक है, वो मैंने भी देखा है, हाँ तो मार धाड़ अलग होता है, खून खराबा निकालना अलग होता है। इसमें और ऐसा तो कोई गालियां, वो नहीं है गालियां अगर, भाई। गालियां गालियां का क्या करेगा, गालियां तो गालियां? भरपूर होती है भाई, क्वेंटिन टारेंटिनो की मूवी है। हाँ तो इसलिए मैंने उनको हिंदी में दिखाई थी, ओहो हिंदी तभी में तो बच दिखाई गया तुमने? मैं। अरे मैंने उनको हिंदी में दिखाई थी ना, मैंने खुद तो इंग्लिश में देख ली। तो साले बॉल्स कहाँ से आया फिर हिंदी में? यही तो हंसी आ रही थी भाई, यही तो कट गया काम। हिंदी में बॉल्स बोल रहा है, नहीं गोटी मतलब नहीं बोल रहा? जितने भी जगह पे वहां पे गालियां थी, उतने हाँ को उन्होंने ना तो म्यूट करा ना हिंदी में डब करा तो उसको इंग्लिश में उन्होंने। गालियां, हाँ वो इंग्लिश में सब, मतलब उनकी एक्चुअल वॉइस आ रहती है उस टाइम पर बीच में, मतलब उन्होंने अपनी हिंदी वॉइस में जो इंग्लिश उनके गालियां दी। एक्चुअल डायलॉग्स हैं जिसमें कुछ हाँ मतलब है, उन सबको तो हिंदी में बोला है। जैसे वो वाला सीन था, आई विल कट योर बॉल्स इन टू द द द कट अवे, तो वो पूरा सीन इंग्लिश में है वाला तो किसी को समझ में नहीं आया इसने बोला क्या। मुझे तो अच्छे से समझ में आ रहा था, और मेरी बहन को इतना समझ में आ गया था कि उसने कुछ बॉल्स बोला है इसने। ओ। और फिर मैंने उनको वो दिखाई थी, शॉशैंक रिडेम्पशन। हाँ वो दिखा, वो अच्छी पिक्चर है, हाँ उनको वो अच्छी पर्सनल है, पर बाथरूम उसमें में एक बड़ा दिखा। खतरनाक सीन है ना, उसमें एक गड़बड़ सीन है हाँ उसमें। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में वो याद है तेरे को, एक गे बंदा होता है उसके पीछे पड़ जाता है, स्टार्टिंग में तो वो उन लोगों का होता है ना जो चीटर होता है वो वाला उसके सीन तो मैंने पीछे। स्किप कर दिया था, जिसमें वो उसके साथ एक सेक्स सीन होता है हल्का सा स्टार्टिंग में, हाँ बिल्कुल ही स्टार्टिंग में जब तब मूवी का टाइटल लिखा हुआ आता है उसी टाइम पर, वो तो स्किप कर दिया था, वो तो पता था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं भूल गया था, मैंने तो 2-3 महीने पहले देखी थी मूवी जब तेरे को कौन बताया सा था। वाला फिर? अरे उसमें एक आदमी नहीं होता जेल के अंदर जो गे होता है, जो उसके अच्छा पीछे पड़ जाता है, जो फिर उसको मारता भी होता है यार। हाँ मारता है फिर। हाँ तो वो इसलिए तो मारता है उसको, तो उसमें एक सीन होता है कि वो इंग्लिश में बोलता है, फिर से वो उसकी हिंदी डबिंग नहीं होती है, वो इंग्लिश में बोलता है ये, कह रहा है आई एम ओपनिंग माई फ्लाई, यू बेटर ब्रिंग योर माउथ एंड सक व्हाटएवर कम्स इन योर अच्छा हाँ इनसाइड। हाँ अबे अच्छा यार वो वाला सीन मैंने स्किप कर दिया था, तो मैंने कहा कर यार दिया ये वो मुझे पता मिस्टेक। नहीं था, तो और क्या करता है यार मेरे। असल में को लगा कि अरे यार ये तो इनको तो समझ नहीं आएगा नहीं क्या बोल अरे रहा है तेरे को ये। इतना याद है कि सब में क्या 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 होने वाला था उसके आगे? एग्जैक्टली ऐसे याद तो नहीं था, पर जब मुझे दिखने लग गया ना कि उसने इंग्लिश में जब ये डायलॉग मारा, उसके बाद वो झुक रहा था लिटरली, मैंने भाई हटाओ हटाओ क्या वो इसको। करता थोड़ी ना है, बट अरे क्या तो वो करता करता नहीं है, पर है? वो पोस्ट तो वही बनने वाला था ना, तब उसके बाद फिर पुलिस आ जाती है अचानक अच्छा से। अच्छा अच्छा पर उसके बाद बहुत बढ़िया सीन है, उसके बाद बढ़िया सीन है कि जो वो कर रहा था इतना स्टार्टिंग से उसको मारपीट कर रहा था उसके साथ, उसको बहुत मारते हैं पुलिस वाले, तो मैंने वो सीन लगा दिया तो सबके इमोशन अच्छा एकदम से हाई हो गए, अरे भाई मारो इसको, इसको मारो। मैंने शाबाश। चलो तो मैंने फिर तो मूवी स्ट्रेटेजिकल दिखा दिखाई दो है यार उनको, थोड़ी मैनिपुलेट करते हुए, पर सबको पसंद आ गई। क्या तो कुछ कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स, लाइक वो ऑकवर्ड मोमेंट आ जाता है कि ये क्या क्या दिखा दिया, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, तो उसमें मैं ऑकवर्ड मोमेंट्स तो आने नहीं देता हूँ कि उस टाइप का भी ऑकवर्ड मोमेंट आ जाए। तो मतलब वो समझ तो जाते होंगे ना कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है तभी आगे कर रहा है ये। हाँ तो उनको पता है, उसमें दिक्कत क्या है? हाँ तो वही तो कह रहा, तभी कुछ होता नहीं ऑकवर्ड से लाइक। नहीं ऑकवर्ड नहीं होता, सब देखते रहते, क्योंकि 1 मिनट नहीं लगता स्किप करने में यार, 1 सेकंड में स्किप हो जाती है, एकदम से सीन आ जाता है, कोई बोलेगा उससे पहले शुरू हो जाता है। हाँ तो मम्मी कहती नहीं तेरी, तेरे को संभालो में कब क्या आने वाला है? हाँ अच्छा नहीं तो मैं उनको बता चुका हूँ कि ये मूवी मैंने देख रखी है पहले से, पर उसका रीजन मैंने उसे ये नहीं बोला कि मैं अपने लैपटॉप पे भाई सब हेडफोन लगा के देख रहा हूँ। उसका मेन रीजन मैंने ये बताया कि जब आप लोग बरेली जाते हो तो मैं टीवी पे देख लेता हूँ, उस पर आ रही होती है सोनी पिक्स पे। लाइक ये तुम्हारी तरफ से नहीं था, तुमने देख ली गलती से। हाँ गलती से नहीं देख ली, मतलब मेरे को इंटरेस्ट है इसमें, मैंने उनसे सब बोल रखा है, इंसेप्शन और जितना, क्योंकि पता भाई ये मम्मी पापा नहीं पकड़ते, इसमें मेरी बहन पकड़ लेती है। तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे देख ली है इंसेप्शन, तुम्हें कैसे पता कि अच्छी मूवी है? इंसेप्शन तो देखने लायक है, उसमें क्या खराबी है? तो इंसेप्शन मतलब उसको तो नहीं पता ना, मैंने तो इंग्लिश में देखी है, फिर मैं मेरे साथ गड़बड़ क्या हो जाती है, मैं बोल देता हूँ कि मैंने इंग्लिश में देखी है, तो और बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि इंग्लिश में कहाँ देख ली तुमने, हमारे साथ तो कभी नहीं देखी है तो उन्हें मालूम नहीं तू कि तू लैपटॉप में डाउनलोड करके देखता है मूवीज ना। क्यों? नहीं मालूम है बस। तू देखता कैसे साले? तू कह रहा था तेरे कमरे में सब सोते हैं, तो वो आते नहीं, चेक नहीं करता? तो रात में कौन है? मैं रात में थोड़ी देखता हूँ कोई, मैंने तो भाई जंग मंजूर सुबह सुबह देखी थी 4 बजे। हाँ यार ये बताओ, सुबह सुबह तुमने ऐसे स्टार्ट करो अबे वो क्या? ऐसे नहीं हुआ था मेरे साथ, क्या हुआ, मैंने 1 घंटे के पहले देख ली थी उसको, रात में देखी थी बस सोते सोते, और फिर उसमें ऐसा हो गया जब सोना ही पड़ेगा अब तो मैंने कहा अरे यार छोड़नी पड़ेगी है, तो उसमें इतनी दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने जिस पॉइंट पे छोड़ी थी, क्योंकि जैंग वंजन ऐसी मूवी नहीं है ना कि बहुत स्टोरी हो कोई उसमें, उसका तो स्टोरी एक्सपीरियंस है कुछ वो नहीं अपने आप होती को। है, क्या? स्टोरी कुछ नहीं। क्वेंटिन टारांटिनो की मूवी में हाँ स्टोरीज कहाँ वही होती है? तुम मतलब कभी वो भी तो छोड़ सकते हो, कभी भी उठा सकते हो, तो मजे आएंगे ओवरऑल, मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो बेसिकली एक मूवी जो है, हाँ वो तो मतलब एक सिनेमैटिक तो बस एक्सपीरियंस मैं तो ऐसा हो रहा था भाई जल्दी से अलार्म बजे बस और मैं शुरू करूँ उसको, है। ये हुआ तो था तुम या तो रात में देखते हो या सुबह सुबह देखते हो?
नहीं सुबह सुबह नहीं देखता, वो मेरा पहला था ये, मैंने जब सुबह, मैं ज्यादा शाम को देखता हूँ जब मैं थक जाता हूँ। तो साले तू मतलब देखता कैसा चीज है? लाइक तू कह रहा था तेरे पेरेंट्स को मालूम ही नहीं कि तू लैपटॉप में वो मूवीज देखता है, हाँ क्या बट करना है, फिर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या क्या अरे परसेंट वाले बेकार थी। हाँ वो बहुत रोंटी हो गई थी यार सबके लिए। वो फिर जब बड़े रहेंगे तब समझेंगे। हाँ वही तो, पर वो यार वो था यार उसमें, मतलब उस मूवी का जो एक हाँ वो यार है कितनी ना सही मूवी थी, लाइक भाई साहब, ये मूवी होती है यार देखने इसको लायक, मूवी कहते हैं, उन्हें हिला के रखने वाली मूवी है कि क्या भयंकर कसम शक्ल है से उस मूवी का, कसम से, कसम मतलब से। मतलब इतना एक रियल पॉइंट था। उसको, क्योंकि वो एक तो 1.5 घंटे तक वो तुम्हें प्रताड़ना ही प्रताड़ना है उसमें, मतलब तुम्हें बहुत ही उससे हिला देती, क्योंकि इसके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, हाँ यार जो मतलब भी कर हर ले बुराई हो तरफ जा रहा से है। घर नहीं है भाई साहब, बंदे कोट लेकर घूम रहा है, पीछे उसका बच्चा ही है, भाई वाइफ ने छोड़ दिया, अरे भैया क्या हाँ, स्पेशली वो है सीन जहाँ पे वो क्या लाइक टॉयलेट में सोया था एक दिन, मेट्रो के वो। टॉयलेट और में वो सबसे सोया मुसीबत था जब दादी वो साहब। गेट गेट पे नॉक नॉक हो रही है और वो बार हाँ बार गेट, मतलब बहुत ही एपिक, और वो वाला सीन सबसे अच्छा लगता है जब उसको फाइनली वो मिल जाती है। हाँ यार लास्ट में ना, अरे यार उसकी आंखें लाल जाती है, वो ऐसे वो कंट्रोल कर रहा होता है ना अपने रोने को, वो सीन है, वो है मेन सीन वही है। जब तुम हिल जाते। और वो एक वो वाला सीन वो भी तो बहुत सही है ना, जब उसका मालिक है कौन है वो, जब वो टैक्सी से आता है और वो $5 मांगता है उससे, वो उसके पास हाँ होते हैं, कह रहे मेरे पास सब मिला जुला के $14 है उसके पास, और उसमें से वो $5 और दे देता है उसको, हाँ भाई साहब वो कितना सही सीन होता है। एक्टिंग बड़ी सही करती है क्योंकि उसमें उसमें फिर। उसका ये है ना कि मैं किसी को ये शो नहीं करूंगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ और क्या, छुपा अच्छा के विल रखा स्मिथ ना की सब। शायद एक लौती मूवी ऐसी है, बाकी तो सब उसकी उसी टाइप की मूवीज हैं, अलादीन और ये मैन इन ब्लैक, इस टाइप की हाँ मैंने ज्यादा मूवी देखी नहीं है उसकी। मैंने भी नहीं देखी है। मैंने बस इसकी एक मैन इन ब्लैक देख रखी है और मैंने ये देखी है बस, और कोई नहीं देखी है। हाँ मैंने वो देखी थी एक आई रोबोट, वो बहुत अच्छी है। अच्छा मतलब एक्टिंग के पर्पज से तो ये बेस्ट, इसको हाँ ऑस्कर एक्टिंग मिला के लिए इसके तो लिए। भाई हाँ मिला उसे, लीडिंग के लिए मिला, लीडिंग रोल के लिए, लीड रोल के लिए, हाँ यार मिलना चाहिए था, काफी अच्छी थी। बहुत ही नेचुरल एक्टिंग थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब, और उसका बच्चा है उसमें मेन, तो यही है ना कि उसी का ही है वो, हाँ तो वो और और बहुत सही केमिस्ट्री निकल के आ रही है दोनों की। वो शायद अभी इंसान जिंदा है जो जिसके ऊपर मूवी बनी है, कौन? हाँ, वो जिंदा है ना जिस पर बनी है। उसकी शायद अब खुद की फर्म है। अरे यार वो तो उन्होंने स्टार्ट आखिरी में ही शो कर दिया था कि ही ओन्ड अ $2 मिलियन मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी। हाँ, बढ़िया यार। अच्छा है यार, हाँ पर मतलब मूवी ने काफी सारी चीजें, मतलब मेरे को एक पॉइंट ये भी लगा कि यार इसमें इतना स्ट्रगल दिखाया तो पता नहीं इतनी जरूरत है या नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया था काफी, तो मैंने तुम लोगों से पूछा था, मुझे तो समझ में नहीं अब ये देख आया। वो तो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है ना, फिलोसफी कहाँ घुसे नहीं है। अब तो मगर तुम ब्रोक हो तो तुम ये थोड़ा ना कहोगे अरे भाई आज का दिन मजे आ गए, आज मैं पूरा जी लिया। तो मतलब बस एक ही चीज है कि मतलब भाई तुम्हारे साथ तुम पहले इतनी मरी हुई है, तुम्हारी इतनी ज्यादा फट गई है, और फिर एक और मुसीबत, मैं वो भी तेरे से कह रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें हिला देती है ना, अगर उसके हाँ ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेट्स से वो अकेला होता, उसकी कोई फैमिली नहीं होती, तब भी तब तो यार देख खुद मूवी को, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो। नहीं तब फर्क पड़ जाता, तब शायद वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता। अभी तो ये जो कर रहा था अपने बच्चे के लिए कर रहा था मेनली, तो और अपने लिए भी कर रहा था ऑब्वियसली। अपने भी कर रहा था बट हाँ वो बात भी सही है कि शायद तब उतना प्रेशर नहीं होता उस पर। तू अभी अपने लिए इतना तो नहीं कर रहा ना जितना उसने किया, नो वे नियर माई, नो मतलब वे नियर कुछ ना, भी। वही मैं उस लेवल का हाँ स्ट्रगल नहीं कर सकता ना, कर रहा हूँ तो मेरे को, मैं वही तो वो कर रहा था कि करना चाहिए क्या इस लेवल का स्ट्रगल, क्योंकि मैं वही जो तो वो कह कर रहा रहा हूँ, वो था उसमें हालात के हैप्पीनेस का ऊपर तो नामो डिपेंड निशान नहीं करता है। था। वही तो कह रहा हूँ, उसको उसमें हालात डिपेंड करते हैं कि तुम्हारी लाइक सिचुएशन क्या है। बहुत लोग होते हैं जो लाइक बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तब भी खुश नहीं होते, तो वो उन लोगों के लिए सही है। हाँ वैसे ठीक है ये क्या, जो उन्होंने शो किया है ना, ये मैंने एक बार बस एक्सपीरियंस किया है, मतलब उसका लगभग 50% लेवल तक, अब तो जो मैं कर रहा हूँ तो 1% भी नहीं है जो उसमें दिखाया है स्ट्रगल, पर उस लेवल का 50% तक हो गया था जब मेरा फिजिक्स का बोर्ड का पेपर हुआ था, तब अबे मेरे में चाहे ये कुछ एक्चुअल स्ट्रगल कियोस थोड़ी था ना होती भाई। है अबे भाई, भाई कसम से कियोस था उस टाइम पे जो उन्होंने मूवी में शो उसको किया। घर, उसके पास घर नहीं था, वो स्ट्रगल होती है तुम्हारा अरे पेपर ही साले पेपर। स्ट्रगल नहीं, तू समझ नहीं रहा ना, उस टाइम पे हम तो बच्चे ही थे और अभी भी बच्चे हैं वैसे तो, पर उस टाइम पे हाँ कुछ ज्यादा ही था ना, उस टाइम पे ये भी था कि अरे तुम टॉपर हो और क्या नाम है, तुम्हारा पूरी स्कूल में सब खत्म हो जाएगा मामला, सबने उम्मीद लगा के बैठे, मतलब मैं ये लिटरली सब उस टाइम पे मैंने अमन सुपरफिशियल दत्तवाल है। की वीडियो देखी है कि मैं फेल हो जाऊंगा फिजिक्स में, अरे यार मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सब सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स हैं। तो अरे अभी लग रहा है ना सुपरफिशियल, उसके लिए सोच जिसकी लाइफ है उसके ऊपर, उसको तो रियल लगेगी ना, हाँ तो मतलब मतलब वो मेरा मतलब ना ये कि अगर तुमने, समझे थे ना मतलब हाँ नहीं वो उस नहीं, समय। एक मिनट एक मिनट, मेरा मतलब सिर्फ इतना सा था कि अगर तुमने उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रखी है तो आखिरी में जाने, मतलब आखिरी में करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, फिर तो तुम बहुत ज्यादा लाइफ पे तुम्हारे साथ बहुत रूडली खेलने वाली है फिर तुम्हारे साथ, हाँ अच्छा जब ये मतलब था मेरा, जैसे अगर वो बंदा है उसकी आज हालत ऐसी क्यों है, ये मतलब था मेरा कि उसने इतना स्ट्रगल किया, तो मे भी ये हो सकता है कि उसने अपने, जब लाइफ ने उसको बीच बीच में मौके दिए होंगे तब उसने उनको इग्नोर मार दिया होगा, नहीं यार क्या बात कर रहे हैं, मतलब हाँ वो भी हो सकता है, बट बहुत वो भी हो लोग सकता है, नेचुरली ऐसे होते हैं ना। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर सक्सेसफुल आदमी इतना ज्यादा स्ट्रगल करता है,
हाँ ऑब्वियसली नॉट, वही, क्योंकि अगर कोई बंदा डेली का डाल रहा है तो उसको उतना नहीं करना पड़ेगा, ये मतलब होता वही है डिपेंड मतलब। करता है ना कि तुम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कहां से स्टार्ट, जैसे जैसे हाँ मूवी थी ये वाली, ये तो एक पॉइंट से स्टार्ट हुई ना, उससे पहले उसने क्या क्या करा, हो सकता है उससे पहले वो लड़कीबाज हो और वो ड्रग्स व्रग्स करता हो इसलिए उसकी इतनी बुरी हालत है आज के टाइम पे, ये भी तो हो सकता हाँ है। जैसे मुकेश अंबानी है, वो मतलब स्टार्टिंग उसकी अच्छी हुई, फिर उसने अपने पापा का बिजनेस और बड़ा कर दिया, उसने थोड़ी ना ऐसे स्ट्रगल करी होगी जैसे इसने करी है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली हम उसे सक्सेसफुल बोलेंगे हाँ बहुत सक्सेसफुल बोलेंगे इंडिया का चिपका अमीर दिए आदमी भाई सबसे, नहीं टॉप 10 में। जब से इलॉन मस्क है उसको तुम बोलोगे कि अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है और मजे में एकदम, ये उसने तो नहीं किया होगा ऐसा, शक्ल तो उसने नहीं किया होगा कि हाँ भैया ऐसा, लेकिन भाई उसका भी बिल्कुल। अच्छा खासा स्ट्रगल था, लाइक वो अकेले आया था यहाँ पे $2,000 लेके उस कनाडा। मैं समझ रहा हूँ इस बात को, पर तू भी समझ रहा है कि इस लेवल का नहीं होगा जिसमें जितना इसमें दिखाया, ये हद से ज्यादा था मतलब, हर हर जैसे बोलते ना हर फेज ऑफ लाइफ में तो मरी पड़ी है हाँ तुम्हारी, भाई वो मतलब वो था तो, वो। हाँ इलॉन मस्क तो अलग है, उसने हाँ 24 साल में कंपनी खोल ली थी अब। तो वही अलग हो गया ना मामला। तो ये पूछ रहा है कि क्या हर एक को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ कि अगर तुम जैसे मैंने वो देखी थी विप्लैश, उसमें भी हाँ काइंड ऑफ उन्होंने कहानी शो करी थी ना, जब उसका वो ड्रम वाला, तो याद होगा एक्सीडेंट हो गया था उसका बीच में, हाँ यार वो यार इतना रेसलेस सीन था ना वो कसम से, तो मुझे लगता है मे बी शायद जब ग्रेटनेस अचीव करनी होती तब इतना करना पड़ता होगा, फिर मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा पता नहीं, फिर करना मैंने तो कहा छोड़ा जब पड़ता होगा तब देखा जाएगा ये हो गया जब होगा क्या। हाँ सही बात है, वही ना, कि तुम कितना स्पेकुलेट कर लोगे, तुम स्पेकुलेट ही कर सकते हो, रियलिटी तो तुम बना नहीं पाओगे कभी भी, कसम से ये तो है ही है। तुम किसी को, अगर मैं तेरे बारे में भी कुछ बनाऊंगा तो मैं सिर्फ इतना बना सकता हूँ जितना तुझे, तूने मुझे मुझे दिखाया है, बस उसी के ऊपर स्पेकुलेट कर सकता हूँ बस क्या करोगे वैसे, करोगे तो। हाँ क्या मतलब मैं क्या करूंगा स्पेकुलेट, मुझे क्या पता, तेरे को तो जानता ही नहीं मैं भी ढंग से अभी। किसी को नहीं जानते साले, खुद 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 को ही नहीं जानते। हाँ ये भी सही चीज, कई बार तो अपनी ऊपर ही हंसी छूट जाती है, जब यूट्यूब तुम्हें बताता कि साले तुम्हारी ये हरकतें अच्छा ऐसे भी करते हैं हम लोग, वही और उनके पास जो क्या फोल्डर है ना उसमें तुमसे ज्यादा उनको पता है। सही बात है, लिटरली भाई मतलब तुम क्या सोचते हो, क्या सर्च करते हो, क्या क्या देखते हो। हाँ सोचा अगर इस रिकॉर्डिंग को डाल के हम लोग क्लब हाउस नामक एक ऐप पे डाल दें और फिर पॉडकास्ट शुरू कर दें हाँ क्लब हाउस का सुना है मैंने, क्या चल रहा है, क्या है ये क्या ये। सर, ये एक्चुअली अनोनमस पॉडकास्ट है बेसिकली। नहीं मैंने सुना था ये लाइक ऑडियो का ट्विटर है ऐसा कुछ। अरे ऑडियो ऐसे मान लेना जैसे स्पॉटिफाई होता है, स्पॉटिफाई हाँ पता है, तो उसमें हाँ ऑडियो होती है ना, तो मतलब ऑडियो पॉडकास्ट होता है ना वो, बेसिकली जो जो भी हाँ पॉडकास्ट है उसका ऑडियो डाल सकते हो तुम, तो ये ऐसा है कि तुम डाली उसमें रहे हो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई रैंडम बंदा आया उसने खोल लिया तुम्हें और देख लिया बस, उसको नहीं पता कि तुम कौन हो, मतलब ज्यादा तो कुछ ऐसा नाम नहीं वगैरह होगा। डाल सकते हो अपना नहीं तुम कि। उसका नाम डालोगे, जैसे तूने इन्फिनिटी डाल दिया, किसी को ये तो नहीं पता ना कि तू दीवान से ना, मेरा किसी को ना मेरे बारे में कोई जानता है, नहीं मैं डाल देता हूँ नीचे बाय दिमाग अगर वाला तू अब मैं। डालता है, पहले तूने डालता था ना, तो ऐसी हाँ अगर तू एक पहले पॉडकास्ट शुरू कर दे हम लोग, लेट्स से यूट्यूब पे शुरू कर दे, तो उसमें किसी को नहीं पता चलेगा हम लोग कौन है, डाल दे, मैं तो तुझसे पहले कह चुका हूँ, मेरे पास सपना तक आ चुका है इस बात का कि मेरे पास भी आ अपन चुका तीनों सपना लोग इसकी बैठे एक हैं। बार मैंने तो, हाँ वही कि मैं तीनों लोग बैठूंगा वहां तक, तो बढ़िया वाला माइक है मेरे पास तो बल्कि भाई सोच, ये रिकॉर्डिंग नहीं डाल दे एक बार अनोनिमसली, देखते हैं क्या होता एनोनिमसली है, देखते हैं ना, नहीं किसी को बट मालूम मैं पड़ेगा ये सोच रहा था कहाँ मेरे गया। पास जो सपना आया था उसमें हम लोगों ने हर किसी चीज के बारे में डिस्कशन कर दिया, जैसे हम लोग कई बार मजे मजे में कुछ भी बोल देते हैं किसी के बारे में भी। अरे भाई तू एक बार डाल के देख, देखते हैं आता क्या है, देखते हैं ना, देख 90% चांस तो ये है कि कोई देखेगा नहीं, ना टेन 99% परसेंट चांस शायद 10-15 लोग देख लें, तो भी सारी पहले ये क्या चच फर्क चुकी है पड़ेगा। पाए हाँ क्योंकि बस ये क्या हटा देंगे, देखेंगे हटा देंगे, डालने में क्या जा रहा है, और अगर चल गया तो कुछ कर लेंगे भाई इसी में। हाँ वो तो है डाल सकते हो वैसे, डाल दो भाई अलग चैनल बना के, लाइक नेचुरल टॉक लाइक नेचुरल टॉक्स विद फ्रेंड्स अबाउट लाइफ मनी सेक्स वगैरह। हाँ क्यों नहीं वे, लाइक नाम ये क्या डाल होना देना चाहिए कि इसका, दोस्त हेडिंग बात क्या होनी कैसे चाहिए करते चैनल हैं। की। अच्छा मतलब चैनल का नाम, चैनल का नाम डालते हैं ये पूरी अमीगोस कन्वर्सेशन डालते मैं हैं। रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो उसमें कोई मैं दिक्कत भी, अरे नहीं जब मैं स्पीकर पे चलाता हूँ तो रिकॉर्ड नहीं होती, तो तो मैंने भी स्पीकर स्पीकर पे पे चला रखा रखा है था। तूने मुझे अच्छा हाँ छत पे हो ना, ये छत पे खड़ा हूँ, कोई नहीं है। तो ठीक है हाँ तो चैनल का नाम डाले तू अमीगोस या थ्री मस्केटियर्स। अबे नहीं यार ऐसा अरे थोड़ी तो होता थ्री है, मस्केटियर्स ऐसे ही डाल दे भाई, स्टार्टिंग तो हम तीनों ने करी थी ना लाइक जैसे ऐसे ही। पॉडकास्ट के नाम ऐसे होते हैं जैसे रॉ एंड रियल है, अरे यार अपनी आइडेंटिटी बनाओ खुद, क्या तुम्हें क्या मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं। अबे दूसरे से क्या मतलब है, मतलब इस टाइप का कुछ होना चाहिए जो तुम्हारे नाम पे आना चाहिए ना, कि तुम ये बातें कर रहे हो, कि हम कोई पॉलिश्ड बातें नहीं कर रहे हैं, फिल्टर बातें नहीं कर रहे अरे तुम चैनल का नाम देख, चैनल हमारे दोस्ती के पे होना चाहिए, दोस्ती पे
भाई मतलब मैं जितने भी लोग ऑप्शन लोगों को पॉडकास्ट देख करते हैं लिया आधे से यार, ज्यादा दोस्त करते हैं, दोस्ती होती है उनके बीच में, ना क्या कह रहे हैं? जितने लोग भी पॉडकास्ट करते हैं उनके वो लोग दोस्त ही होते हैं भाई, कोई हम स्पेशल दोस्त नहीं नहीं है। नहीं नहीं अरे बहुत लोग लाइक बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करते हैं। वो अलग पॉडकास्ट हो गई, हाँ बोलो पॉडकास्ट तो तू देख ले, मैं और तो इसमें ऑप्शन हम लोगों ने देता अपने हूँ, नाम यूज कर लिए हैं, नाम यूज नहीं कर रहे और अभी। इसमें बल्कि मैंने अपने चैनल का भी कई बार बता दिया है, और तूने भी मतलब अपने आर्टिकल के बारे में, अरे बल्कि तूने ठीक तो है, अपना नाम भी ले लिया भाई, क्या नाम दिया? मैंने नाम नहीं दिया। तूने बोला ना क्या infinitians.com। हाँ वो ठीक है, अरे ठीक है डाल दिया, देख इतना क्या सोचना साले, क्या होगा देखा जाएगा, हाँ ये तो है। एक बार डाल दे साले। तू चलो मैंने देखता तेरे को हूँ। ऑप्शन दे दी, या तो अमीगोस या थ्री मस्केटियर्स, तू बता कोई ऑप्शन दे। द अनफिल्टर्ड टॉक। द अनफिल्टर्ड टॉक ना, कुछ कोई इस टाइप मतलब का वो यूज करो एडजेक्टिव, मतलब डिफाइन करने वाला। अनफिल्टर्ड टॉक तो मतलब सारी पॉडकास्ट वही होता है ना, मतलब नहीं, पॉडकास्ट वो नहीं होता है किसने का, पॉडकास्ट में अनफिल्टर्ड टॉक्स होती हैं। रियल मतलब तो उसका वही होता है, पर ऐसा होता नहीं है ज्यादातर। नाम चलो तो तुम हो दो तीन नाम मेरे को भेजो, भी सोचता हूँ हाँ डालेगा, भाई पक्का डालेगा। बताइए मत कहियो कि भाई ये हो गया वो हो गया, ठीक है, अभी पहले जो मैं हम इसको रिकॉर्ड कर रहे इसको हैं शुरू में देख। आना पहले कि इसमें कोई अरे सही नहीं यार सुन, वो मत तू तू डाल दे, देख हाँ ये चीजें जो हम बोल रहे हैं ना डिस्कस कर रहे हैं, तो तू डाल दे कि हाउ फ्रेंड्स डिस्कस अबाउट स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट, ये भी देख उसी की बात हो रही है हाँ मुझे कि पता लोग है कैसे ये डिस्कस ऐसा कर चैप्टर रहे जाएगा उसमें, यार। मजा बस ये आ फिर रही है कि जो हम बोल रहे हैं वैसे पॉडकास्ट जाएगा कसम से, टाइम स्टैम्प की तरह। टाइम स्टैम्प डालेंगे इस पर, अरे फ्रेंड्स यार डिस्कसिंग हाउ टू लाइक स्टार्ट अ पॉडकास्ट, ये भी जाएगा ये भी जाएगा। अबे भाई बहुत सही आइडिया, सही बता रहा हूँ, डाल दे। हाँ ये तो है, वैसे लोगों को हंसी तो आएगी इस बात पे कि काफी नेचुरल लोग, हम भी ऐसी बातें करते हैं हाँ ऐसी सब बातें करते हैं सही में। हाँ कोई भी, मतलब उन्हें ये लगेगा कि इन लोगों को मालूम भी नहीं था कि ये लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं, बीच बीच में बातें करते करते आ गया कि पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। ये ब्रो होता है भाई, ये ये होता होता है, है, ये भी जाएगा साला, ये भी तो और हंसी आ रही मेरे को, अब तो अजीब लग रहा है काफी जाएगा। तू सीरियस है ना, डालेगा ना ऐसी हवाई बात तो नहीं कर रहा ना, बस मैं डाल दूंगा, पर मैं एक बार सुनूंगा फिर भी पूरा सुनेगा। 1.5 घंटे का है, 1 घंटा 20 मिनट हो नहीं, गया। मुझे अरे मुझे इतना याद आ रहा है कि मैंने उसके बारे में काफी कुछ बोल दिया था ना अपने बारे में, तो मुझे वो सुनना भी है, क्योंकि यार मुझे अभी वो रिवील नहीं करना है किसी भी हालत में। अरे भाई कैसे, एक बार बता, जो हाँ तेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तेरे को थोड़े ना मालूम पड़ेगा कि जो तू नया चैनल खोलेगा वो तेरी आवाज है। मेरी आवाज ही है ना, आवाज तो अरे सेम ही तेरी है। आवाज है, बट जो नया चैनल है हाँ वो वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उसकी ऑडियंस अलग है पॉडकास्ट वालों की। अबे एक भी पहुंच गया तो क्या कर लोगे, अरे यार कितनी कम प्रोबेबिलिटी है भाई, बहुत बड़ा नेट है, इतना बड़ा अभी नेट है पता भाई। है तू इसलिए बोला कि तेरा आर्टिकल है, तेरी आवाज नहीं है कहीं पर भी। अरे भाई मैं सोच रहा हूँ भाई अब बहुत हो गया लाइक छुपना छुपाना, जो है सबके सामने है यार, हटाओ छोड़ो, कब तक तो छुपते रहेगा, कभी ना कभी तो तेरे को बताना पड़ेगा ना तू कौन है, कहाँ से है, अरे तो उसको अभी ना वो तो मतलब बताना मेरे पड़ेगा। मेरे दिमाग में ये था कि मैं इसको तब बताऊंगा जब थोड़ा चैनल ग्रोथ हो जाएगा, तो उसमें फिर ऐसा हुआ अरे भाई इनने पढ़ा दिया इसको, तो कुछ आता नहीं था इस टाइप से। अरे अरे यार वो चीज कभी नहीं आएगी पता है, वो होगा, अरे कैसे नहीं होगा, मतलब कुछ तो बढ़ने दो ना, कब वरना ये हो होगा जाता है कि बता। रुक जाएगा ना, वरना रुक सकता है ये, अभी तो कुछ है नहीं ग्रोथ बिल्कुल भी। रुकेगा तो बिल्कुल नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ तेरे को, जो तेरे को लग रहा है कि रुकेगा वो तो रुकने तो वाला नहीं है तेरा ऐसा चैनल, अब फिर जैसे तभी एक रुक बंदा सकता है जब तू है, डालना बंद कर दे, तो रुक सकता है। हाँ एक बंदा उसका नाम है धवल बोथरा, और वो बंदा क्लास 8th में है, तो वो पढ़ा रहा है, तो उसके चैनल में सब्सक्राइबर ही नहीं है, जब उसने ये बोल दिया कि मैं क्लास 8th में हूँ। तो तेरे को सब मालूम है क्या, क्या होता है बेकार पढ़ा रहा हो, नहीं यार ओलंपियाड बहुत मेडलिस्ट है, फैक्टर्स होते हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना। बात तो सही है। या तेरे को चल इतनी प्रॉब्लम है तो काट दियो थोड़ा बहुत, हटा और क्या। पर ये नहीं काटेंगे, ये जो डिस्कशन हुआ है अभी हाँ ये हाँ बहुत तो डन, इंटरेस्टिंग हो कुछ मत जाएगा। काट, मेरी मेरा मान तो कुछ मत काट। तू तू ने अपने चैनल का नाम लिया, हाँ तेरे चैनल का नाम नहीं मालूम किसी को, बस ये मालूम है कि मैथ्स पढ़ाता है, मैथ्स पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, ले अभी भी आवाज बात तो कर रहे हैं एक मैथ्स पढ़ाता है ये भाई, ही है, ये आवाज बट एक तेरे हो को गई तो मालूम। ना। अरे तेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी है, अरे हाँ सुनी है ठीक है, सुनी है सुनी है ठीक है, मान लिया, बट इतना थोड़ी ना मैच करेंगे भाई, आवाज मिलती जुलती होती है लोगों की, अबे साथ शक्लें भी सेम होती है सबकी यार, तो आवाज सेम नहीं हो सकती क्या किसी की, बात तो सही है। इतना मत सोच साले, डाल दे तू आज ही डाल दे यार, आज ही रात को 12 बजे तक डल जाना अच्छा एक बात चाहिए बता, ठीक है। उसको वो रखेंगे कैसे, ऑडियो थोड़ा डालोगे, कुछ तो डालना पड़ेगा ना।
हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, जैसे वो आती है ना लाइक स्क्रीन सेवर्स वगैरह होते हैं जहाँ जिसमें एक लाइन होती है वो ऊपर नीचे होती है, हाँ जो कुछ वो बहुत सही वीडियो लगता है वो मेरे को, वो वो कैसे डाल पढ़ता देते है हैं, लेकिन, वो पढ़ता कैसे है लेकिन, वो कुछ वीडियो आप सोचते होंगे, मेरे को तो आइडिया नहीं चलो भाई उस यूट्यूब के उसपे बारे में। YouTube वीडियो देख लेंगे और इसको भी डालेंगे पॉडकास्ट के अंदर कि हम इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि उसका स्क्रीन सेवर कैसे लगेगा ये साला सबसे देख सबसे नेचुरल है ये, आप ना एक्सटेम्पोर हो गया एक तरीके से, नेचुरल एक्सटेम्पोर हो गया ये। देख एक्सटेम्पोर ये मतलब, भी मतलब वही है ना कि किसी टॉपिक पे चालू हो जाए बोलना, हाँ ये तो है ही, ये तो कर है, हाँ तो पर मेरा भी तो नेचुरल अच्छी तरह है। इस पे क्या वो है कि एक पॉइंट के बाद ऐसा लगता है ना कि सब बता दो क्या फर्क पड़ जाएगा, किसी को पता चल गया ये मेरा ये है ऐसा है वैसा। हाँ देखिए ये मेरा तब चेंज हुआ जब लाइक मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी पूछ रही थी कि मैं अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर दूँ नहीं करूँ, मैंने कहा मत हाँ करो यार, फिर हाँ 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 मम्मी ने हाँ कहा क्यों, मतलब फिर हाँ मेरी मतलब भी ये सोचा मैंने था। नोटिस किया, मैंने कहा हमारे जो पेरेंट्स हैं जो जिनको हमें लगता है कि ये कंजर्वेटिव है, ये लोग सबसे पहले बताते हैं सब कुछ। हाँ वही ना, ये इतने हाँ कंसेप्ट हम लोग वो मतलब हम बिल्कुल लोग जो नहीं बहुत है। बड़े लेवल पर बनना है कि हमें बहुत बहुत ओपन माइंडेड है इस टाइप से, हम लोग को सबसे शर्म आती है बताने में। हाँ वही तो, वही मैंने सोचा, फिर मैंने कहा हटा बोली मारो सबको यार, जिसको बोलना है बोल दो, तो अच्छा एक मम्मी ने बात सबको पता बता है, दिया। मेरे पास एक बहुत ही वियर्ड सपना आया था एक बार कि किसी ने मतलब बहुत ही वियर्ड, वो वियर्ड ऐसा था कि किसी ने बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया है, क्या किस, कोई भी फोटो टाइप्स मतलब जो नहीं करनी चाहिए थी, अच्छा फिर तो मतलब मेरे और मेरा रिएक्शन उस पे ऐसा क्या फर्क पड़ता है, मतलब उसमें मेरा सब कुछ दिख रहा है, मेरा चेहरा दिख रहा है, पूरी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। ऐसे मान ले कि अच्छा किसी ने जॉन, तेरा कुछ भी कर दिया है। हाँ जो उसे नहीं करना चाहिए था, लेट से ओ कोई भी सेक्सुअल एक्ट तो नहीं था वो, पर उस टाइप का कुछ मान सकता है तू, और वो मेरे साथ नहीं हुआ था, मतलब मैं कोई करेक्टर प्ले कर रहा हूँ उस ड्रीम के अंदर, और उसने कुछ ऐसा किया है और उसकी वो लीक हो गया, शुरुआती ऐसी उस गेम की शुरुआती ऐसी हुई थी कि कुछ लीक हो गया है कोई कोई वीडियो टाइप्स, और मतलब फिर तुम क्या करके आ उसने रहे हो सही से बताओ सेक्सुअल इंटरकोर्स है सीधे सीधे, और वो तुम मैंने कर रहे हो सपने में नहीं है, सपने में नहीं है, मतलब वो उस टाइप की वीडियो ना, हवा ये बनी हुई है कि ये उस मतलब बेसिकली सपने में कोई उस चीज की क्लिपिंग नहीं चल रही है मेरे दिमाग में, डर की दिमाग गॉड। साले वो सब नहीं है, मतलब सपना इस चीज के ऊपर है कि मेरी, मैं जो करेक्टर प्ले कर रहा हूँ ड्रीम के अंदर, उसकी एक वीडियो लीक हो चुकी है, और अब उस जो करेक्टर है उसको फर्क नहीं पड़ता घंटा भी, उसकी पूरी फैमिली ओवर रिएक्ट कर रही है कि अरे हमारा क्या होगा, इज्जत डूबी टाइप से, और उसके हाँ अरे क्या फर्क पड़ता है ऐसा हाँ था, वैसे होना चाहिए ना यार, कब तक मतलब मैंने शर्माते फिर हैं। मैंने सोचा कि ये जब मैं उठा उस टाइम पे सुबह सुबह, मैंने सोचा यार इस लेवल पे कब पहुंचेगी सोसाइटी जो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी के न्यूड्स जो है लेट से वो लीक हो गए, या किसी की बहुत ही प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, तो वही ये मतलब आइडियल स्टेज हो गई एक बंदे की हाँ पर एक उस तरह। लेवल पे फर्क पड़ने के लिए फिर ये भी तो है ना कि अब तुम एक बंदे हो और तुम्हारे आसपास 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको फर्क पड़ता है, तो फिर तुम्हें अल्टीमेटली पढ़ना पड़ेगा, ये तुमने वहां देखा होगा सेपियंस में लिखी थी ये लाइन कि तुम चाहे कितने भी कैसे भी तुम्हारी वो हो, अगर बाहर एक कॉमननेस फैली हुई है तो तुम्हारी भी जाएगी, मतलब तुम्हें भी फिर फॉलो तो करना ही पड़ेगा उसको 80%। हाँ मतलब वो बात भी नहीं कि तुम सुपरमार्केट जा रहे हो नंगे होके, फर्क नहीं पड़ रहा है हाँ कि ये मेरी उतना भी आइडियोलॉजी नहीं। है, ये मेरी आइडियोलॉजी है, आई डोंट बिलीव इन दिस क्लोथ, मैंने न्यूडिटी को सेलिब्रेट करता हूँ, ऐसे भी बहुत होता है ना, मतलब हाँ उतना भी नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली तुम्हें वो नहीं काम करना जो तुम्हारे उसके अंदर तो है रूल्स ऑफ जो कंट्रोल तुमने, में। पर वो दूसरे के रूल्स को डिस्टर्ब करता है, उसके रूल्स ये होंगे हाँ कि मैं किसी को हाँ न्यूड नहीं देखूंगा और तुमने दिखा दिया तो गड़बड़ हो गई ना, हाँ बट अब तू कह रहा है कि किसी ने लीक कर दिया तो तू क्या कर लेगा उसके बारे में, या तो रोक लेगा उसको या फेस करेगा उसके खिलाफ, या फिर भाई बिंदास होकर चिल मारेगा क्या करेगा, कुछ कर तो सकता नहीं ना तू, या तो रो लेगा बैठ के। हाँ तो यही तो है ना। ये बता ये कब हुआ था, जब मैंने वो वाली मूवी देखी थी, क्या नाम है इसका, अरे उस तूने देखी है वाली, वो अभी उसकी आई थी अनुराग देखी होगी बासु की, मैंने पक्का देख रखी होगी, बता अरे कौन सी अनुराग बासु की, कौन सी। अरे क्या आई थी अभी यार ये, लूडो ना ना लूडो नहीं देखी, पक्का देख रखी होगी साले लूडो, उस लेवल लूडो आई तुम थी, हॉलीवुड मूवी बोल रहे हो, नहीं, हाँ तैसे तुमने तो साले सब हॉलीवुड देख रखी है पूरी पूरा नहीं चार्ट बॉलीवुड हॉलीवुड में भी बहुत देख रखा है। भाई, वो अच्छा अच्छी मूवी है, उसमें उसमें यही हुआ था, उसमें वो है, उसमें वो उसका लीक हो गया था, उसका कुछ लीक हो जाता है हाँ सेक्स के। हाँ 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 मैंने ट्रेलर देखा है। तो उसमें जो उसका मेन मतलब जो उसको जो लड़की होती है उसकी तो फट रही होती है, अरे ये ऐसा वैसा, जो लड़का होता है कह रहा है क्या फर्क पड़ता है क्योंकि उसका अच्छा चेहरा वो रिवील नहीं हुआ है, ये रीजन है उसमें उस क्लिप के अंदर। तभी तो मैं ये सपना आया क्या हाँ वो मेरे से बात ये हो चुका है कई बार कि जो देख, अबे इस बार अभी आज सुबह सुबह एक अलग ही टाइप का सपना आ रहा है, मतलब वो एक क्विंटिन टेरेंटिनो वाला टच भी है उसके अंदर, सपने के अंदर एक वॉर मूवी टाइप की है वो, फिर। पता नहीं भाई भयंकर सपना था वो, और उसमें फिर अचानक से जो आजकल वो चल रही है फार्मर स्ट्राइक्स चल रही है वो भी हाँ उसमें आ जाता है अचानक से, पता नहीं क्या हुआ था उस सपने में, पूरा कियोस है वो सही है, किसी को गुड्डी बोली मारी तुमने। क्या
किसी को कुछ मारा वारा पीटा? नहीं मैं उसमें हुई नहीं हूँ सपने के अंदर, मैं तो बस देख रहा हूँ उसको, ऐसा वाला है कुछ। अच्छा, मतलब ऐसा लाइक भगवान सॉर्ट ऑफ देख रहे हो ऊपर से? अरे भगवान छोड़ो साले, बट मैं सपने को देख रहा हूँ मतलब बस। भगवान एज इन की जो, अबे जैसे तुम सपना देखते हो यार, बस ऐसे थोड़ा है हर सपने में तुम्हें करेक्टर प्ले करना पड़ेगा। नहीं मेरे को तो लगता है होता है, जब भी देखो तुम कुछ ना कुछ करते हो, लाइक तुम आगे जाते हो पीछे जाते हो साइड इस को। पे उनसे पूछना चाहिए क्रिस्टोफर नॉलन से, क्योंकि उसने इंसेप्शन में बहुत सही फिलॉसफी झाड़ी थी कि यू आर ऑलवेज इनसाइड, मतलब यू आर ऑलवेज इन द मिड ऑफ अ ड्रीम, यू आर नॉट ऑलवेज इन द स्टार्ट ऑफ। तो मैं पता नहीं था तुम कैसे आ गए यहाँ पे। हाँ वो तो है, वो तो तूने कभी वो करी है, एक्सपीरियंस लूसिड ड्रीमिंग करी है तूने कभी? है। लूसिड ड्रीमिंग मतलब इसका मतलब ये होता है कि तुम कंट्रोल कर रहे हो सपने को, मतलब हाँ कॉन्शियसली कि मैं ये वो बना रहा हूँ इसी शायद, टाइम पे बैठ के अभी। हाँ शायद करी है मैंने। मैंने तो परसों ही करी थी, मेरे साथ तो होती रहती है। अच्छा मतलब अरे बहुत मजा आते हैं, उसमें, हाँ उसमें मतलब तुम मैं नींद क्रिएट कर के रहा और हूँ। सपने के बीच में होते जैसे हो, लाइक मेरा मेरा कुछ पूरा अलग ही टाइप का सपना था, मैं ब्लैक होल के अंदर गिर रहा हूँ, इस टाइप का कोई सपना था वो, और उसमें मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। तो मैं अब ब्लैक होल के अलग अलग टेक्सचर्स मैं अपने दिमाग में बना रहा हूँ, मतलब मैं बैठ के बना रहा हूँ, मुझे पता है मैं बना रहा हूँ अभी, पर मैं सपना जैसे भी देख वो रहा हूँ। इंटरस्टेलर में दिखाया है जैसे वैसे। इंटरस्टेलर में था ना, वो तो बहुत ही बेसिक लेवल का हो गया, अब तू समझ ले मैं किस लेवल का सोच रहा था। और वो बन रहा अच्छा था, सबसे मजे की बात ये थी कि वो बन रहा था पता नहीं कैसे, बहुत ही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एकदम। ये एक्चुअली मेरे साथ बचपन से हो रहा है, मेरे को बचपन से एक सपना आता है वो ब्लैक होल में गिरने वाला। पता नहीं क्या चक्कर है, मेरे तो हमेशा रिपीट आ होता चुका है है वो। सपना? हाँ रिपीट होता है यार वो। अच्छा मैं तू मानेगा, जब मैं शायद 6 या 7 साल का था, तो सबसे पहली बार तब आया था वो सपना, जब मैं वाह, पहली बार ब्लैक होल के वहां पे था इवेंट होराइजन में, मैं गिर गया था उसके अंदर। 6 7 साल में कहां से आगे तेरे को ये इन्फॉर्मेशन ब्लैक अरे होल? यार मैंने वो देख लिया था, भैया ने मुझे वो दिखा दिया थी, एक कोई वो डॉक्यूमेंट्री थी उसमें सात साल था की उम्र में, क्या। जब तू 7 साल का था तब? हाँ जी 7 साल? अरे पागल हो गया क्या? अबे कसम से भाई, सब तब बता देंगे कहां तेरे को। कुछ और जब मैं रात में सो के उठा, मतलब ऐसा था मैं चीखा था उस टाइम पे सीधे कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो इतना बड़ा घर है, सारे लोग आ गए थे मेरे कमरे के अंदर, सब आ गए थे, क्या हो गया क्या हो गया। सबको याद होगा जहां तक, क्योंकि रात के 12 बजे एकदम से कोई चीखे भयंकर तरीके से, पता तो भी चला बच्चा वो इतना भी बच्चा। छोटा। हाँ तो मेरे को अलग से, भाई तू मानेगा मेरे को अलग से डॉक्टर को दिखाया था इसके लिए कसम से, कि इसको बहुत ही ओहो अलग टाइप के सपने आते हैं और ये बहुत गुस्से में रहता है, गुस्सा बहुत आता था। डॉक्टर साला वो अलग लेवल का चूतिया, उसने बोला इसको रेड और ब्लैक कलर के कपड़े मत पहनाया करो। भाई ओफ भाई, तू इंसान मुझे का काम 60 नहीं समझता है। है क्या? हद बहुत दो भाई यार, सही है। तो भाई पॉडकास्ट पहला एपिसोड बंद करें। हाँ वही निपटाओ, कितना टाइम हो गया, 1.5 घंटा एक हो गया घंटा है। अट्ठाईस बिल्कुल मिनट क्या? बिल्कुल 1.5 घंटा है, सही हाँ है। सही है सही है सही राउंड है। पे अगर बैठिए पहले पॉडकास्ट एपिसोड, कितने, 1 घंटा 29 मिनट, 50 सेकंड बचे हैं। नाम सोच रहे थे 10 सेकंड के लिए। नाम क्या रखना है, तू नाम सोच ले, मेरे को भेज दियो, मैं देखता हूँ। चलो ठीक है, मैं तेरे को एक क्लिपिंग भी भेज दूंगा। और भाई नहीं पहले तो वो ये देखो कि सारा ये वो कैसे होगा ना, इसका मतलब वीडियो वीडियो में क्या डालना है, क्योंकि वो YouTube तो तुम वीडियो देखो मांगता भाई, है ना। तुम्हें ज्यादा आइडिया होगा क्योंकि तुम वीडियो वगैरह बनाते हो, मैं तो बिल्कुल टच में हुई नहीं। देखना मेरे ख्याल से पड़ेगा। शायद कोई सॉफ्टवेयर वगैरह से पड़ जाएगा, ज्यादा वो नहीं होगा झंझट वाला। बस एक पीछे स्क्रीन से एक पीछे बैकग्राउंड होगा जो हाँ लाइट कलर का होगा, हाँ और हाँ वो एक लाइन होगी जो बस जब हम कुछ बोल रहे होंगे तो ऊपर नीचे वो एम्पलीफाई होगी अपनी तरीके से। हाँ 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 चलो सही है, देखता हूँ मैं। पक्का डालेगा ना साले, कल मत भूल जाना कि अरे छोड़ो यार डाल दूंगा बस। आज डालेगा आज। अब वो आज के लिए मुझे बस इतना देखना पड़ेगा कि उसके में वो डालना क्या है, वीडियो का क्या वो रखना है। हाँ चलो वो सब ठीक है, बट डाल देंगे आज। ठीक चलो है ठीक है ठीक है, ठीक है, चल चलो ठीक है, बाय। बाय।